Free from headache after listening to prophecy in live prayer. Now let's listen to the prophecy of Prophet G. मुंबई से हूँ और कल प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने बोला था कि दिन में 3 बार प्रे करने का प्रभु को। जब आप दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने आएंगे। और तभी ही मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बोला, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने बोला कि 120 टाइम्स हालेलुया हालेलुया बोलो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई 120 बार जब आप हालेलुया बोलेंगे। मैंने हालेलुया हालेलुया बोला 120 टाइम्स, मेरा आधे सर का दर्द तो चला ही गया। फिर मैंने और 2 बार बोला तो फिर मेरे पूरे सर का दर्द चला गया। मेरे को मालूम है ये किसी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु ने किया है। थैंक यू प्रभु को, थैंक यू, बहुत थैंक यू, और प्रॉफिट बलजिंदर सिंह को भी थैंक यू। और प्रभु ने हमें संभाल के रखा है इस कोरोना वायरस के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद, थैंक यू। मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को सुनेंगे। आज का टॉपिक है विचारों पर जय पाने के बाद कह रहे गॉड हमारी सहायता करता है। इसका मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर और वो आपकी सहायता नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है? कहता है कि आप अपने विचारों पर जय नहीं पा पा रहे, इसलिए कह रहे कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी सहायता हो परमेश्वर, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में, और मेरी जब शादी हो, लाइफ पार्टनर मिले, हर चीज में, मतलब कि आप परमेश्वर से सहायता मांगते हो कि अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करता है करे जो खुद अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। मतलब परमेश्वर उसकी मदद करता है करे कि जो विचारों पर जय पाएंगे, अपने थॉट्स पर जय पाएंगे। तो बाइबल हमें बताती है, लेकिन शैतान भी जानता है इस बात को, करे कि अगर इंसान ने अपने थॉट्स पर जय पा लिया तो वो जीत जाएगा, मतलब वो जो मांग रहा है उसे मिल जाएगा। परमेश्वर यही बताना चाहता है आज के वचन से, कह रहा है कि शैतान जो है बड़ा तेज है, वो चाहता है कि ये लोग विचारों में फंसे रहें, ये लोग अपने ख्यालों में फंसे रहें और परमेश्वर की ओर ध्यान ना लगाएं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं वो जय पाते हैं अपनी जिंदगी में। मतलब जो लोग अपने जीवन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब आप ध्यान करेंगे परमेश्वर का, तो उसी समय परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे मां बाप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मेरे सास ससुर मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग निराश हैं इन बातों को लेकर कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आपको आज गुड न्यूज देने के लिए आया हूं, अगर आपकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन मेरा खुदा आज आपकी तरफ ध्यान देने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आज ये प्रोफेसी आपके जीवन में 7 दिन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है कि हाँ प्रभु मेरी तरफ ध्यान दे। जब आप प्रेयर करते हैं परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान देगा। आप लोग संसार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरी तरफ ध्यान दो। कह रहा कि जब आप बाइबल की तरफ ध्यान देते, वचनों पर मन लगाते, जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं। इसका मतलब कि आप सारे काम छोड़कर जो यूट्यूब लाइव, मतलब की फैमिलियां जो बैठी है इस समय सुन रही है, वचन को सुन रही है, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ओर ध्यान कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज शैतान आपसे मतलब डरा हुआ है, वो चाह रहा है कि ये लोग ध्यान ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितनों ने करा वचन पर मन लगाया उनका कल्याण हो गया। हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में करा 100 गुना फल को लेकर आएगा। आज यहां बहुत सारे लोग इस टेंशन में है, निराशा में है, समस्या में है, पता नहीं परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगाएगा कि नहीं लगाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके ध्यान को शैतान भटकाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है शैतान को कि अगर इनका ध्यान जो लग गया परमेश्वर की ओर, जो ये मांगेंगे आज मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने विचारों में कह रहा बाहर आना है, अपने विचारों से बाहर आओ। इसका मतलब बहुत बच्चे करते हैं कि प्रार्थना करने का मम्मी क्या फायदा, 1 घंटा वर्शिप करने का, आंख बंद करके प्रार्थना करने का क्या फायदा, वर्शिप में बैठने का क्या फायदा। कुछ लोग करते हैं कि वर्शिप जब खत्म हो जाएगी उसके बाद जब प्रॉफिट बजिंदर जी आएंगे मैं बैठ जाऊंगा और वचन सुनने के लिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर जो है आपके विचारों से नहीं चलता, वो खुद के विचारों से चलता है। उसका वचन बोलता है यशाया में, कह रहा है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। आज परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर
ऐसे लोगों के ऊपर दया कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है आपके ऊपर। वो चाहता है अपने लोगों को कि उनके विचारों का जो स्टैंडर्ड है वो छोटा ना हो, वो स्टैंडर्ड ऊंचा हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके विचारों का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा तो परमेश्वर आज आपका स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए जा रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको ध्यान करना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कि ध्यान, कह रहा जब आपका ध्यान भटकता है तो शैतान आपके ऊपर जय पाता है। जब आपका ध्यान करे के परमेश्वर के वचन की ओर होता है तो शैतान हारता है और आप जीतते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको जीतना सिखाऊंगा कि आज आप जीत कर जाएंगे, आज आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में, आज आप जीतेंगे, आप विनर बनेंगे। कहो आई एम विनर। आज आप विनर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति के 24 के 63 और 64 को पढ़ते हैं, जेनेसिस का चैप्टर देखते हैं हम 24 उसका और उसके 63 में देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा। यहां बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे संत, बहुत सारे विश्वासी लोग बहुत बार प्रार्थना करने के लिए गए, बहुत बार वचन लगाने पढ़ने के लिए गए। जब आप ध्यान लगाने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, करे ध्यान इसलिए लगाया जाता है कि ताकि परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर हो। अगर आप संसार की ओर ध्यान लगा रहे हैं तो इस समय परमेश्वर आपको नहीं देख रहा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं, जब आप लाइव प्रेयर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, तो विश्वास करके बैठना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ओर ध्यान लगा रहा है और आप जो मांग रहे हैं आपको मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग निराशा में है, चिंता में है। यहां पर बहुत सारे लोगों के जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि आज मैं बांझ हूं, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे काम रुके हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप सही ढंग से ध्यान लगाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान आपको भटका नहीं सकता, आज आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपना ध्यान मत भटकाएं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब इंसान का ध्यान भटकता है उसकी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। कह रहा है जैसे पतरस ने कह रहा है कि जब प्रार्थना करना बंद कर दिया, ध्यान लगाना बंद कर दिया, तो उसकी लाइफ में समस्या आनी स्टार्ट होगी। और उसी समय उसने मुर्गे के देने पर उसने 3 बार झूठ बोल दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि एंड टाइम के अंदर कहते हैं कि ऐसा सा समय आएगा कि लोग परमेश्वर की ओर ध्यान करना बंद करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज का वचन यही बता रहा है, कह रहा है कि आप लोगों को ध्यान करना है परमेश्वर के 1 सेकंड आपके ध्यान लगाने से, 1 घंटा ध्यान लगाने से। मैं कह रहा हूं आज बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हल होने वाली है चर्च आज यीशु मसीह के नाम में। आप पढ़ते जरा ध्यान से देखेंगे इसहाक के बारे में। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। शाम के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। देखो यहाँ पर इसहाक के बारे में पढ़ रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विचार। अगर आपके विचारों में भी बार बार ये आ रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद कह रहा हूं कालिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आप अपने विचारों में मत गिरो, आप अपने विचारों का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। लेकिन जब आप अपने विचारों को छोटा करते हो तो उसी समय आप डाउन हो जाते हो। यहां पर भी कह रहा है कि विचारों के थ्रू बात कर रहा है। इसहाक की जब शादी नहीं हो रहा था तो काफी समय से वो घूमने के लिए चला गया। जब वो बाहर जा रहा है लेकिन वो उसको रास्ते में कुआं मिला और वहां पर वो कुआं जब उसको दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि उसके विचारों में शैतान उसको कह रहा हो कि तेरी शादी नहीं हो रही है, तेरे मां बाप तुझे डांट रहे हैं, तेरा कोई काम नहीं हो रहा, तू ऐसे कर, तू सुसाइड कर ले। आज बहुत सारे लोगों के विचारों में यह चलता है, जब उनकी जॉब नहीं लगती, जब उनको बच्चा नहीं होता, तो शैतान उनके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। आज भी मतलब बहुत बातों में कह रहा है शैतान ध्यान भटकाता है। लेकिन यहां पर इसका एक राइट फैसला, इसने एक राइट फैसला लिया। इसने जब वो कुआं देखा, इसने उस कुएं में पानी देखा, लेकिन ये उसमें छलांग लगाने के लिए नहीं गया, इसने अपने विचारों को कैंसिल किया। और क्योंकि और उसी समय ये जानता था परमेश्वर के वचन के बारे में कि अगर मैं परमेश्वर की ओर ध्यान लगाऊंगा, इसलिए लिखा कि शाम के समय इसहाक ध्यान करने के लिए निकला परमेश्वर का। और जब आप आज शाम के समय आप लाइव चैनल में ध्यान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वचन का ध्यान कर रहे हैं, प्रेयर का ध्यान कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी तरफ मेरा परमेश्वर ध्यान करने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी खुशखबरी आपको 5 मिनट के बाद मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान लगाना है। लेकिन शैतान क्या करता है, ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसका मतलब करे कि इसने अपने ध्यान को बनाए रखा। बहुत बार इसके ख्यालों में विचार आए कि कुछ नहीं होने वाला, कितनी बार तू कुएं
कुएं पर गया, कितनी बार तू प्रेयर रूम में गया, कितनी बार तू चर्च में गया, लेकिन तेरा बेटे काम आज तक नहीं हुआ, सुसाइड कर ले। ये कुआं लहरोई कुआं इसके पास लहराने के लिए नहीं आया था, हवा झोलने के लिए नहीं आया था, इसको मौत देने के लिए आया हुआ था। इसलिए लेकिन यहां पर इसका एक राइट डिसीजन, इसने एक फैसला लिया, इसने कहा कि नहीं, कह रहा कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और ध्यान लगाऊंगा। और जब इसने ध्यान लगाया, प्रेयर किया और जब आंखें खोलकर देखा, लिखा ऊंट चले आ रहे हैं। इसका मतलब पुराने समय के अंदर ऊंट उसके पास होते थे, जो धनी व्यक्ति होता था। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी धनी घर की लड़की उसके सामने आ रही थी। और लिखा कह रहा रिबका को उसने दूर से देखा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर आज आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे, मतलब शाम के समय अगर आप प्रेयर करना सीख गए इसहाक की तरह, मैं कह रहा हूं चर्च जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आज से अगर जो शाम के समय प्रेयर करना ध्यान लगाना सीख जाएंगे, वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा कह रहा है उनके बिगड़े हुए काम आज से सवरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर कोई बांझपन पड़ा है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं ये शाम के समय प्रेयर आपके काम हल करती है। ये आज मेरा परमेश्वर आपके कामों को हल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अपने बैड विचारों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं शाम के समय परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर आपका एक फैसला है तो याद रखो आज रात प्रभु आपकी प्रेयर को प्रेयर में ध्यान लगाने वाला है। अगर आप प्रेयर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, सुलेमान ने कहा अपने हाथों को उठाया और वो शाम के समय था, उसने कहा एक पहाड़ी पर चढ़ा और शाम को बोलता है, कह रहा है परमेश्वर के जब भी करे तू इस मंदिर में लोग आए तो तू उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाना। उसने कहा परमेश्वर मैं मंदिर जब बनाऊंगा जब तू इस मंदिर में ध्यान लगाएगा, इस मंदिर में ध्यान लगाएगा। मेरा मैसेज यही है कि अगर जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे शाम के समय, कहता आप सुबह प्रेयर करते हैं और शाम को प्रेयर नहीं करते, मैं कह रहा हूं कई बार अपने कामों को आप पूरा होते नहीं देखते, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है जो लोगों ने इसहाक की तरह शाम के समय मन लगाया परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा आपकी ओर ध्यान लगाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको अब तक नहीं पता लगा कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं लगा रहा है, मैं कह रहा हूं आज के बाद मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रेयर है, ये मैं कह रहा हूं कि जाओ स्वर्गदूतों इनकी ओर इसी समय ध्यान करो, जो बाइबल पढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान करो, जो प्रेयर कर रहा है उसकी ओर ध्यान करो। ये अधिकार मेरे पास कि मैं स्वर्गदूतों को ऑर्डर दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएं आपके पास यीशु मसीह के नाम में, और जो रिसीव कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं इस वचन पर और इस भविष्यवाणी पर, मैं कह रहा हूं कि मन लगाया जिन्होंने आमीन बोला है उनकी प्रमोशन हो जाए आज रात से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। जब हम मत्ती के 4:10 को देखते तो वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा था, यीशु मसीह एक जगह 40 दिन की फास्टिंग करने के लिए गया। इसका मतलब फास्टिंग करने का मतलब कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए गया। जब वो शाम को ध्यान लगाने के लिए जा रहा था तो उसी समय क्या कर रहा था शैतान, वहां पर उसका ध्यान भटका रहा था। हम जब बाइबल पढ़ते हैं शैतान हमारा ध्यान भटकाता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तभी आपको देखो ज्यादातर फोन आने लगेंगे, आपको ज्यादातर दरवाजे खटखटाने लगेंगे, ज्यादातर आपके पास मैसेज आने लगेंगे। आप अपना फोन स्विच ऑफ करो और उसी समय कह रहा है कि अपने अपने रूम को बंद करो और प्रेयर में बैठो। लेकिन यहां पर शैतान चाहता है कि ध्यान भटक जाए लोगों का। यहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया उसी समय शैतान उसके पास आता है, बोलता है प्रार्थना मत कर, फास्टिंग मत कर, कह रहा जो तेरे को चाहिए रोटी तो मैं दे दूंगा तेरे को, कह रहा तू मेरे को दंडवत करे सारा संसार दे दूंगा मैं तेरे को। ऐसे बैड विचार, मैं कह रहा हूं कि शैतान वहां खड़ा हुआ बातें नहीं कर रहा था, वो विचारों से बातें कर रहा था। आज बाइबल बोलती है तुम्हारे अपने लोग होंगे तुम्हें पकड़वाने वाले, हो सकता है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके ताऊ, आपके चाचे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दोष मत लगाओ, कह रहा है कि वो नहीं आपका, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके लोग होंगे पकड़वाने वाले। कौन है वो लोग? कह रहा आपका विचार, मैं आपके विचारों को आपका लोग बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका बंदा बोल रहा हूं, आपका बंदा, आपके विचार ही, आपके गलत थॉट्स ही, आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको शैतान के हाथ में पकड़वाते हैं। यहां पर कह रहा सांप था और आदमी था, अरे सांप कैसे बात कर सकता है, सांप नहीं बोलता भाई साहब। तो अगर आप पर्स किसी का देख रहे हो बड़ी देर से और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या कर रहा है, वो बार बार उसको देख रहा है, वो बात नहीं कर रहा है,
उसके विचार बात कर रहे हैं पर्स से कि मैं इसमें 5 लाख तो होगा, मैं इसको लेकर भाग जाऊंगा, इस औरत के पैसे मैं भाग जाऊंगा, उसके विचारों में, उसके ख्यालों में आना बार बार। यहां पर कह रहा है शैतान बातें कर रहा था यीशु मसीह से, बातें कर रहा था और विचारों में डाल रहा था। क्या डाल रहा था? विचार डाल रहा था, बात नहीं कर रहा था, विचार डाल रहा था। बार 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 कह रहा था मैं तेरे ख्यालों में आऊंगा, मैं तेरे विचारों में आऊंगा, और बार बार विचारों में, ख्यालों में आ रहा था और कह रहा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं होगा तेरा, और तू फास्टिंग व्यर्थ है, तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। आज आप भी जब करे के प्रार्थना करने बैठते हो, आप चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत बार आप रोने लगते हो, आप थक जाते हो और शैतान आपसे बातें करता है, आपके विचारों से बातें करता है। वो बोलता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे तू व्यर्थ में रो रही है, कौन तुझे देख रहा है? आप शीशे के सामने देखते हो कि कौन तुझे देख रहा है और कौन तुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बार बार आपकी, आपके बातों में बार बार वो देख रहा है और वो सुन रहा है और बार बार वो आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, चर्च आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर, आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है मेरा परमेश्वर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में चले जाते हैं कि अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर 2 साल हो गए हैं, क्योंकि आपके विचारों में, मैं कह रहा हूं, एक सांप घुस गया है, आपके विचारों में एक बंदा घुस गया है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे, वो आपसे बातें कर रहा है और वो आपको डरा रहा है और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको विचारों से बाहर आना है। यहां पर उसने क्या किया, देखो बार बार कह रहा है लिखा है, यीशु मसीह को बोलता है लिखा है। अरे यहां पर इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, वो कहता है वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह बोलता है वचन में ये भी लिखा है। और आज क्या होता है, आज चर्चों में, आज बाहर में, मैं कह रहा हूं एंड टाइम के अंदर ऐसे लोग आएंगे आपके पास कि आपको, आपका ध्यान भटकाने के लिए कह रहा है कि मसीह लोगों के बीच में ही बाइबल पढ़ने वाले लोग भी आएंगे। कह रहा है वो कहेंगे यहां पर ये लिखा है, यहां जाना जरूरी नहीं है, ये लिखा है, ये लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कुछ भी लिखा हो, अरे लिखा होगा, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है दूरट, कह रहा है लिखा होगा, तेरा लिखा हुआ नहीं, कह रहा मेरा लिखा हुआ चलेगा, मेरे परमेश्वर का लिखा हुआ चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपके परमेश्वर के वचन का जो लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विचार आपके, कह रहा है कि आपके विचार आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसका मतलब शैतान पीछा करता है उन लोगों का, जो लोग विचारों में डरपोक हो जाते हैं, जो लोग विचारों में हार जाते हैं, जो लोग अपने विचारों में जय नहीं पाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विचारों में जय पाओ, आज परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉब्लम्स आज हल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने विचारों से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विचार, थॉट्स। कहता है वो थॉट्स के थ्रू काम करता है, वो बार बार आपके अंदर थॉट्स डालेगा। जब आप पाप में गिरते हैं, आप यहां से गिरते हैं, बाद में आप सारे काम करते हैं। दो पाप आपको ज्यादातर पाप में गिर कर रखते हैं। कहता है एक लालच, एक व्यभिचार। जीसस ने एक राइट डिसीजन लिया और उसको कहा, पढ़े देखे मत्ती के 4:10 में क्या लिखा, वहां पर क्लियर बोल रहा था यीशु मसीह। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्यों उसने कहा शैतान दूर हो जा। यहां पर कह रहा आप विचार आ रहे हैं, आप सो रहे हैं और सपने में बातें कर रहे हैं, आप गंदे गंदे काम कर रहे हैं सपने में, आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। और आप जब एक काम जब करते हैं, जब आपको विचार आता है, आपको भूख कहां से लगती है? पेट से नहीं लगती, आपको भूख विचारों से लगती है। परमेश्वर का आत्मा यहां बोल रहा था यीशु मसीह से, जब वो बात कर रहा था, वचन से बात कर रहा था, भाई साहब लिखा हुआ था, सारी चीजें लिखे हुए से बात कर रहा था, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा दूर हो जा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके ख्यालों में कोई ये बात आ रही है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, मेरी जॉब नहीं लग सकती, मेरा मैं कभी मां नहीं बन सकती, अगर आपके विचार बोल रहे हैं भाई साहब ये, इसका मतलब आप ही का बंदा है जो आपको पकड़वाने वाला है। लेकिन आपका मन जो है आपको बाहर निकालता है, लेकिन आपके विचार जो है आपको पकड़वाते हैं। आप मन से विश्वास करो और मुंह से बोल दो आज कि सब कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह ने उसकी सुनने के बाद क्या किया, उसके विचारों को डांट दिया, उसको बोलता है दूर हो जा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने सांप नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ही के विचारों में कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आपको परखना है। मैं कैसे परखता हूं, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, मैं उस समय बिलीवर था, और जब मैं बैठा चर्च के अंदर तो मेरे अंदर विचार आया कि इस पादरी को खड़ा होकर थप्पड़ मार।
मैंने कहा मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूं। उसी समय मेरे सामने वचन आया और वचन में लिखा कह रहा है कि यशाया की पुस्तक में कह रहा तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब हम बहुत बार जल्दबाजी करते हैं बोलने में, इसलिए हम विचारों में चूक जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि हम बहुत बार अपने कामों में जल्दी करते हैं और विचार हमें गिरा देते हैं, हमारे विचार ही हमें गिराते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि शैतान आपका पीछा कर रहा है, आप अपने विचारों में जा ना पाओ। आपको विचार आ रहा है लेकिन आपको उसमें कंट्रोल करना है बोलने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप बाहर आने वाले हैं। चर्च, आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। यीशु मसीह ने शैतान से जो पीछा छुड़ाया वो ऐसे नहीं छुड़ाया, उसने उसको कहा कह रहा है कि दूर हो जा, कहता मेरी लाइफ से दूर हो जा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि शैतान ऐ गंदे विचारों मेरी लाइफ से दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ऐ बैड विचार इसी समय दूर हो जा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं यशाया की पुस्तक में लिखा कह रहा है ये तुम्हारे विचार नहीं है, कह रहा है ये मेरा विचार भी नहीं है, कह रहा है ये शैतान का विचार है। वो कह रहा है मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर पिछले साल भी मेरा बच्चा फ्लॉप हो गया था, इस साल भी मेरा बच्चा फ्लॉप हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोच जरा, कह रहा समझ क्या मेरे विचार ये है बाइबल के। कहता है बाइबल के विचारों के साथ अगर इंसान अपने विचारों को मैच करे तो आप एक बड़े से बड़ा डिसीजन, एक राइट डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। कह रहा आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। कहता जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के विचारों में आ जाते हैं। और मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी मेरे ख्याल में, दिमाग में कोई ख्याल आता है, मैं उसी समय सोचता हूं कि यह ख्याल क्या परमेश्वर की बाइबल से मिलता है या नहीं मिलता, यह विचार मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो मैं उसी समय उसको बोलता हूं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलता है दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जब तक नहीं कहेंगे कि शैतान दूर हो जा, कह रहा विचार दूर हो जा, आप कह रहे हैं कि शैतान दूर हो जा, आपके विचारों में घूमता रहता है शैतान और आप उसको दूर कभी भी नहीं करते। कह रहा आपको दूर करना है, शैतान गिराने वाला है पाप में। बाइबल बोलती है कह रहा कि शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है कह रहा व्यभिचार, कहता और लालच, कह रहा पैसा और व्यभिचार, कहता इन कामों के कारण वो लोगों को विचारों में घिराता है और लोग गिरते चले जाते हैं। आज लोग गिरते कैसे हैं मैं ये भी बताऊंगा और बाहर कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा। अगर आज आप विचारों में गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपको वचन को सुनने की जरूरत है और शैतान को डांट लगाने की जरूरत है कि दूर हो जा। कुछ लोग बोलते हैं पापा मेरे सामने शैतान आता ही नहीं, मैं उसको दूर कैसे करूं। मैं आज आपको बता रहा हूं आपका एक बैड विचार, आपका एक बैड ड्रीम वो शैतान है। आपका एक बैड विचार और बैड ड्रीम, आपके बैड ख्याल और निराशा वाले ख्याल वो शैतान है। और उसी समय अपने आसपास उसको बोला करो शैतान दूर हो मेरे पास से, ऐ बैड विचार दूर हो जा मेरे पास से। और उसी समय एक सही विचार आप अपने अंदर लेकर आओ और बोलो कि परमेश्वर मैं पॉजिटिव हो चुका हूं और मेरी लाइफ में आज से बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं जंग जीतने वाला हूं, चाहे जंग कैसी भी क्यों ना हो, आज मेरा बिजनेस कैसा ही क्यों ना हो, कोई टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं नंबर वन होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते दूसरा तीमुतियस उसके 2:22 में क्या लिखा, कह रहा व्यभिचार के बारे में जब हम देखते हैं शैतान के हथियार है और वो ज्यादातर लोगों को, ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आज से आने वाले 7 साल के बाद कहता है ज्यादातर लोगों को इस व्यभिचार के पाप में गिराएगा। गिरा तो अभी भी रहा है लेकिन लालच में, पैसे में और व्यभिचार के कामों में लोगों को गिराता चला जाएगा। लेकिन कौन गिराएगा? कहता है उसमें कह रहा आपके लोग नहीं आपको पकड़वाएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं पकड़वाएंगे, आपके भाई नहीं पकड़वाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बंदा है, आपका विचार है जो आपको पकड़वाता है। कह रहा इसलिए कह रहा है कि आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने और बाहर निकलना है उन बैड विचारों से। लेकिन आज जब आप अकेले होते हैं, आप लिख सकते हैं, राइट डाउन आप कर सकते हैं अपनी डायरी में, कह रहा जब आप अकेले होते हैं आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। कह रहा जब आप निराश होते हैं, कह रहा उसी समय आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास बैड विचार आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको भागना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। ज्यादातर लड़के और लड़कियां क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कह रहा वो ज्यादातर फिर जब कोई लड़का पास में बैठा होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। आपके ऑफिस में कोई लड़का लड़की काम कर रहे हैं, आपके जगह पर काम कर रहे हैं लड़का लड़की, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, और उसी समय बेशक आपका मन अच्छा हो, बेशक आप उसको भाई बोल रहे हैं, बेशक आप उसको भाभी बोल रहे हैं, बेशक आप किसी के घर में जाते हैं, बेशक आप उसको बहन जी बोल रहे हैं, लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, आपके विचारों में वो घुसा रहता है। और उसी समय
प्रॉब्लम डालता है। उनके माँ बाप बोलते हैं, बेटे ये लड़का तुझे क्यों छोड़ने आता है जॉब के बाद घर पे, तो कोई लड़की भी छोड़ने आ सकती है। अरे नहीं नहीं मम्मी आप ऐसे ही शक कर रहे हो, ये तो मेरा भाई है, ये तो मुझे भाई बोलता है। अरे तू ठीक हो सकती है लेकिन उसके अंदर ख्याल ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो सकता है लेकिन उसके अंदर एक बैड विचार ठीक नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, वो ज्यादातर पाप में कब गिर रहे हैं, कह रहा है जब वो कह रहा है दोस्तियां लगाते हैं और वो ज्यादा कह रहा है जब काम पड़ता है, नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा प्रचार करता है, नहीं 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 मैं ना बड़ा अच्छा है, मुझे टीचिंग देता है, ये बड़ा अच्छा ट्यूशन वाला है, ये ना मेरे घर के सारे काम करता है। बहुत सारी लड़कियां जो है आजकल पाप में गिर रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इन बातों के लिए बहुत सारे लड़के जो है पाप में गिर जाते हैं। और बहुत सारी औरतें आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं जो भी कुछ कहूंगी मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन औरतों से बात कर रहा हूं। बहुत बार शैतान अपने तरीके से लोगों को गिराना चाहता है। और ये लड़की भी यहां पर अपने मां बाप को जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि मैं मम्मी अरे मुझे इसको दोस्त को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा ओनली फॉर फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड है, ये तो मेरा ब्रदर है, ये मुझे भाई बोलता है। लेकिन यहां पर शैतान विचारों पर अटैक करता है, उसको पता है कि मुझे इसको गिराना है, कहता है इनकी शांति कैसे भंग होगी, इनकी प्रेयर लाइफ में ध्यान नहीं लगेगा, अगर वो साथ रहेगी तो साहब प्रेयर में बैठेगा तीन बार दिखाई देगी, करा जब वो वचन कर पढ़ने बैठेगा वही ख्याल आपके बार बार आएगा। परमेश्वर का आत्मा करा कहता इसलिए करा आपको संगति करना है, ये एंड टाइम है, विश्वासी लोगों को अपनी संगति करना है। कह रहा है कि हमें अगर आज किसी को कानों में खुजली हो रही है इस वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि माइंड में गड़बड़ हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय आपकी सफाई हो रही है आपके कानों की। अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आंखों की सफाई हो रही है, क्योंकि यही गेट है जिससे शैतान घुसता है और यही गेट है जिससे कह रहे हैं कि आप पैसे को आंखों से देखते हैं, आप इसी आंखों से लड़की को देखते हैं और शैतान आपके विचारों से बातें करता है और वो बोलता है कि यार तेरा पति तो तुझे सारा दिन मारता है, अरे तेरा पति तो बड़ा बेकार है। मैं कह रहा हूं ये लड़की भी यहां पर ऐसा ही कह रही थी अपने मां बाप को, मम्मी डैडी आप गलत कह रहे हो, आप चर्च जाते हो, आप गलत कह रहे हो, कह रहे कि ये मेरा भाई है, अरे ये तो कोई नहीं मेरे साथ, ये गलत थोड़ी हरकत कर सकता है, ये ठीक है लड़का, लेकिन वो बार बार ऐसे कह रही है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है करा सामना नहीं करना, आप सारे पाप का सामना कर सकते हैं, सारे पाप का सामना कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस पाप का सामना कभी मत करो, आप अगर कितने बड़े योद्धा हो इस पाप का सामना सिर्फ कैसे करना है, कहता है भाग जाना है इस पाप से, कहता है इस पाप से भागना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है मैं इसका सामना करूंगा, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो, आप शराब पड़िए, आप कह रहे हो कि शराब को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर लड़का और लड़की सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सामना नहीं कर सकते आप, आपको भागना पड़ेगा। दाऊद नहीं सामना कर पाया तो दाऊद गिर गया, दाऊद परमेश्वर का भक्त था लेकिन वो गिर गया। इसलिए बाइबल कह रही है, कहता है अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर निकलो, कहता है आपका विचार आपको गिराने वाला है। ज्यादातर मैं उन लड़कियों से बात कर रहा हूं जो सारा दिन कह रहे कि विश्वासी होने के बाद भी कहता है बेढंग के कपड़े पहनती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि विश्वासी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको आज आदर्श बनना है किसी लड़के के लिए, आपको आदर्श बनना है किसी फैमिली के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करना है वो। हम बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी क्या थी, यूसुफ ने सारे पापों पर जय पाई और प्रकाशित वाक्य 21:7-8 में लिखा, जो कोई जय पाए मैं उन सब वस्तुओं का वारिस कर दूंगा उनको। लेकिन जय पाना है आपको, यीशु मसीह ने जय पा ली, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, भाई साहब आपकी प्रार्थना आपको जय नहीं देने वाली, यीशु मसीह ने आपको ताकत देनी है, प्रार्थना आपको पावर देती है, आप पावरफुल हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर भी आपको चेक करता है, लेकिन चर्च में चेक नहीं करता, चर्च के बाहर चेक करता है आपको कि अब ये क्या करेंगे, अब ये कैसा जीवन जिएंगे, अब ये कैसे लाइफ जिएंगे। अभी आप चर्च में बैठे हो लेकिन उसके 5 मिनट के बाद आपको आधे घंटे के बाद चेक करने वाला मेरा परमेश्वर कि अब इनके विचारों में क्या चलेगा, अब ये घर में क्या करेंगे, अब ये बाहर क्या करेंगे। मेरा परमेश्वर चेक करता है, कह रहा है कि आपको कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, मेरी मम्मी डैडी मेरे साथ है ना, रब मेरे नाल है ना, रब कहता है नाल, लेकिन व्यभिचार के टाइम परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपको वहां से भागना है, याद रखना व्यभिचार के समय, क्योंकि परमेश्वर गंदे कामों में कभी नहीं बैठता। यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको उस फीलिंग्स को, अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपके मन में बार-बार फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसी समय कहता है डिलीट करना उस विचार को, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आज आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, यहां परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, अगर किसी लड़की ने फेसबुक पर बार बार किसी को ऐड किया हुआ है, कह रहा बुरी संगति,
कहता है बुरे चरित्र को, कह रहा है आपके चरित्र को बिगाड़ देती है, यहां पर क्लियर है, कहता है आप फेसबुक से डिलीट कर दो उसको, कहता है कि अगर जो भी कोई ऐसा कोई नंबर या कोई नंबर है, कहता है उसको डिलीट मारो। पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि कुदृष्टि पाप है। यहां पर आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि देखो बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा जो कोई कुदृष्टि डाले इसका मतलब वो व्यभिचार कर चुका। यहां पर मैं विचारों की बात कर रहा हूं, यहां पर काश ऐसा लिखा होता तो आपकी समझ में आ जाता कि जो भी कोई लड़की को देखकर विचार करे कह रहा वो पाप कर चुका। यहां पर क्लियर है, कहता है लड़की को देखने के बाद, लड़के को देखने के बाद आपके अंदर एक विचार आता है और आप उस विचारों में कह रहा फिल्म बनाने लगते हैं अपनी आंखों में और उसी समय आप पाप में गिरते हैं। ये शैतान का विचार है, इसलिए कह रहा बहुत लोगों के ऊपर कर्जे हैं, इसलिए बहुत लोग परीक्षा में पड़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ऐसे प्रार्थना कर के परीक्षा से बाहर आ जाऊं मैं। आपको करना है, ये बातें आपको सीखनी है। अगर आपके अंदर मन शुद्ध हो गया, परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है। हाँ, यहां पर यूसुफ ने सामना की किया, यीशु ने यूसुफ ने सामना नहीं किया, वहां से रानी ने कहा कि मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन वो दिखा वहां से भाग गया, वहां से दूर हो गया। यहां पर वो बड़ा ताकतवर था, थप्पड़ भी मार सकता था उसको और उसको कोई बहाना भी लगा सकता था, ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा बातें करके ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन आजकल के लड़के करते हैं, आजकल के लड़के बैठते हैं, हां जी हां जी, चश्मा लगा के पूरी मीठी मीठी बातें करते हैं लड़कियां भी, और एक दिन एक ना एक दिन उस पाप में वो गिर जाएंगे। बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको भागना है। अगर आपको फीलिंग्स हो रही है कि अगर आपको गलत फीलिंग्स हो रही है किसी के बारे में, आपको वहां से भागना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को आशीषित करना है, अगर आपको कहता अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, तो बाइबल बोलती है कह रहा इस बात के लिए आपको आपका एक राइट फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। यूसुफ गरीब घर का लड़का था, प्रार्थना करने वाला था, पावर मांगता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर कि मुझे ये पावर भी दे, जब मैं पोती पर की कह रहा वाइफ को देखता हूं, कह रहा मैं जब सुंदर सी लड़की को देखता हूं, कह रहा कि मैं पाप में गिरने की कोशिश करता हूं, कह रहा मुझे पावर दे। लेकिन एक रात प्रभु ने उसको बोला ये पावर मैं नहीं दूंगा बेटे, भागना पड़ेगा तेरे को, याद रख। और उसी समय जब वो आई और वो भाग गया वहां से, याद रखो कह रहा आपका एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान को पता है, कहता है एक पाप कहता है इनकी जिंदगियों में डालने के बाद परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा, काटा मार देगा और आपकी लाइफ में आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देगा, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी फास्टिंग, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। यही पाप कहता है लोगों को नहीं मालूम कि वो कुदृष्टि डालते और उनकी लाइफ में से क्या हो जाता है। उसी समय बहुत अच्छे अच्छे संतों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती है, बहुत अच्छे अच्छे विश्वासियों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा इन बातों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आपको कह रहा है इन बात विचारों से बाहर आना है, आपको कहना है कि शैतान दूर हो जाए मेरे पास से, ऐ गंदे विचार भाग मेरे पास से। आपको अगर वो विचार से भागना है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रोज किसी को मिलते हैं ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेशक वो आपकी बहन लगती है, बेशक वो आपका भाई लगता है, बेशक आपके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी अगर आपको गंदी फीलिंग्स आ रही है, आपको वहां से हटना है और डिलीट मारना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जिन हाथों से यीशु मसीह ने किले खाई उस हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते, जिन हाथों पर यीशु मसीह ने किले खाई आपके लिए कह रहा उन्हीं हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। यहां पर बाइबल कह रही है जो शरीर का अंग तेरा तुझे ठोकर लगाए कह रहा उसे काट डाल, यहां बाइबल बता रही है कह रहा काट डाल। मैं कह रहा हूं इस वचन को सुनने के बाद आज रात आपका काम खुलने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा हूं एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सकता, वो तो हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, आप एयरफोर्स में कह रहा पायलट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन वाह क्यों नहीं बने अब तक। करा रीजन है, कहता आपके विचारों में शुद्धता नहीं है, कहता आपको करा विचार लेकर आना है। कुछ लोगों के करा मां बापों के विचारों में शुद्धता होती है और वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बड़ी पोस्ट पर जाकर भी पाप करते हैं, याद रखना वो फिर से डाउन आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा एक पाप में गिरना या विचार, खासकर शैतान को मालूम है कि जब एक व्यक्ति बढ़ता है, करा अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप व्यभिचार का पाप कर देते हैं तो आप नर्सरी क्लास में गिरने वाले हैं सीधा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के काम सक्सेस
सक्सेसफुल नहीं होते जो लोग, ये खासकर सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा हथियार है, मैं कह रहा हूं शैतान का। और इसी विचार के कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मैं लड़के लड़की को हाथ लगाऊंगा या मैं किसी से मिलूंगा तब मैं भी विचार करूंगा, लेकिन नहीं, आपके थॉट्स पर जय पा रहा है परमेश्वर, आपके विचारों पर जय पाना चाहता है परमेश्वर। वो सिर्फ वचन इसलिए दे रहा है, कहता कि आप करें जय पाएं। प्रकाशित वाक्य में इसलिए लिख दिया करा एंड टाइम में, कहता ये होगा, यूहन्ना को बता दिया करा जो जय पाए तेरे लोग जय पाए। 21:8 को पढ़ेंगे जब आप, 7 और 8 को, तो वहां क्लियर लिखा कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आपको अपने विचारों पर जय पाना है कि परमेश्वर मैं इस पाप से अभी इसी समय छूट जाता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर मेरे घर में कोई पोछा लगाने वाला या मेरी गाड़ी साफ करने वाला भी आ रहा है और मेरा मन उसको देखकर खराब हो रहा है, मैं दूर होता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आपको दूर होना है, परमेश्वर आपको दूर रखना चाहता है इन चीजों से कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो, आपको शांति मिले, आप जो सालों साल से वो बच्चा नहीं पा रहे आपको वो बच्चा मिले, आपके काम खुले, आपकी आशीषें खुले, आप ब्लेस हो जाएं, आपके जीवन में कोई घटी ना हो, आज वो कर्जा उतर जाए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक बात नोट की है, जो लोग व्यभिचार नहीं करते वो लोगों के ऊपर कभी कर्जा नहीं होता। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपके लिए, मैं कोई जरूरी नहीं है ये बात, लेकिन मैंने ऐसी नोट की है, मैं परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये नोट की है मैंने ज्यादातर बातें क्यों, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा है, वो कर्जे से बाहर निकाल कर लाएगा। अगर कर्जा होगा तो कोई परीक्षा भी हो सकती है, कई बार परीक्षा भी आ जाती है व्यक्ति की, लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है यूसुफ ने जय पाई दौड़कर। आपको क्या करना है आज, आपको ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनना है। आप हैं वो, खासकर मैं लड़कियों से बातें कर रहा हूं कि मैं उन विश्वासी बहनों से बातें कर रहा हूं कि आप अपने जीवन को एक आदर्श बनाओ। आज मैं उन विश्वासी भाइयों से बातें कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए अपने ऐसा एक आदर्श बनाओ कि अपने आप को सुधार करो, कह ताकि कि लोग आपको देखकर जाने कि सच में ये यीशु मसीह के लोग, अगर ये ऐसे जी सकती है मैं भी जी सकती हूं, मैं भी एक अच्छा काम कर सकती हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि आज अपने अंदर रखना है। आपको मैं बताता हूं कैसे होता है, लेकिन जहां पर कह रहा जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, एक मैं किसी के बारे में पूछ रहा था कि दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और उसी समय जब पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी तो पत्नियां क्या करती हैं उस समय, पत्नियां और उसी समय उनके अंदर एक विचार आता है, जब पति उसको डांटता है ना, उसको मारता है, तो उसके अंदर आप भी झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने हाथों को उठाओ और को जो भी कुछ सोचूंगी सच सोचूंगी और सच बोलूंगी। और अब इसी समय यहां पर करा जब आपका पति आपको डांटता है और उसी समय जब मारता है तो उसी समय अंदर ही विचार ले रही होती है, और अरे पहले पता होता ना मैं तेरे को कब का छोड़ देती, तेरे से शादी ना करती, अगर मुझे पहले पता होता तू इतने गुस्से वाला है शौक, तो मुझे पहले पता होता अकबर सोनू मोनू टोनू, अगर मुझे पहले पता होता कह रहा है तू इतना गुस्से वाला है तो मैं तेरे से शादी ना करती। ये वो कह नहीं रही है, वो बेचारी नहीं कह रही है, उसको पीटना मत, उसके विचार कह रहे हैं, इसका मतलब वो शैतान कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान कह रहा है उसके विचारों में। आज परमेश्वर कह रहा है बाहर आओ इन विचारों से, कहता है यहीं पर है, कहता है शैतान किसी ना किसी तरीके से लोगों पर हमले करता है और उसके बाद उनकी पत्नियां सोचती है, कहती है कि ये बहुत गुस्से वाला है, और जब उनके घर में कोई और आता है और वो बड़ी अच्छे से बातें करता है तो फीलिंग्स डालता है शैतान, कहता है कि ये ठीक है बंदा ना, काश ये मेरा पति होता, काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती, काश ऐसा हो जाता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये काश पर आज कट करो यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि जीत पाओ, आपको जीतना है। कहता है एक विचार आपका परमेश्वर के विचारों को आपके पास नहीं आने दे रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद कह रहा है कि आप कह रहा है उस पतंग को उतारते हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने विचारों को रखो परमेश्वर के पास, भेजो आज मैं आपकी पतंग के, आज मैं पतंग उड़ा रहा हूं आपको, लाओ मुझे, आपको बताओ क्या आपकी समस्या है, बताओ मैं भेजता हूं आज परमेश्वर के पास, मैं उड़ा रहा हूं और लेकिन उसके बाद मैं उत्तर ले रहा हूं आज परमेश्वर से, आज परमेश्वर से उत्तर ले रहा हूं कि परमेश्वर दे इनको उत्तर, दे उत्तर दे। मैं कह रहा हूं पतंग है, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आज आपके उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके विचार मैंने परमेश्वर के पास भेज दिए। एक स्वर्गदूत आता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके विचारों को लेकर जाता है, लेकिन आपके विचार कहता है अगर एक भी गलत हो गया तो उसी समय परमेश्वर के विचार आपके दिमाग में नहीं आने वाले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत लोग भविष्यता कहते हैं कब कह रहे कि आशीष नहीं पाते, कह रहे जब उनके दिमाग में एक विचार ठहर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रहा कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, लेकिन अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है वो पाप नहीं है, कह रहा है लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर बैठ रही है और बीट कर रही है और घोंसला बना रही है, इसका मतलब कि अब खतरा है। इसका मतलब कह रहा है कि एक विचार आपने अगर आया और गया वो पाप नहीं है, अगर उस विचार को आपने ठहरा लिया। लड़का या लड़की को देखना कह रहा है पाप नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको गलत ढंग से देख लिया और उस विचार को ठहरा लिया तो वो पाप है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं
प्रभु में आया नया नया, तो मैं सिंगापुर और मलेशिया थाईलैंड में सुसमाचार बांटने चला गया, बड़े जोश में चला गया। और मैंने कहा लो मैं जाऊंगा और मैं अब लोगों को करके आऊंगा। किसी ने मुझे कहा भी पास्टर ने कि बेटे उधर बैंकॉक मत जाना, वहां पे बहुत गंदा एरिया, गंद है वहां पर, गंद है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई उनका उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है और उनके कपड़े अलग है। मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल कह रहे कि वो बिल्कुल ही हद पार कर चुके हैं बैंकों के अंदर। लेकिन मुझे शर्म आई उन चीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर बाइबल आपको क्या बता रही है, हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियस में 2:22 में देखेंगे जल्दी से। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से, इसका मतलब जवानी की इच्छा से भाग जा। हाँ हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन गया बैंकॉक में सुसमाचार बांटने, मैंने दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब यहां तो बड़ा गंद है और मैं वहां से भाग गया। मैं यही बता रहा हूं कि भागना पड़ा और जो मेरे साथ गए थे वो वहीं रह गए और वो दोबारा क्रिश्चियन भी नहीं बने क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और पाप में गिर गए और वहीं रह गए। लेकिन मैं उनके बीच में से निकल आया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर कहता मैंने नहीं बचाया, कह रहा तेरे एक राइट फैसले ने बचाया तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक यूसुफ को भी यही कहा, कह रहा मैंने नहीं बचाया तुझे, तेरे राइट फैसले ने बचाया है। आपको एक राइट फैसला लेना है, आप एक बड़े दुख से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अपने जवानी की इच्छाओं से भाग। कहता आपके अंदर क्या इच्छा है, आपको भागना है भाई साहब। कहता अगर आप भागोगे, यूसुफ भागा वहां से, आपको भी भागना है। अगर आप भाग रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि आज शैतान नहीं आपके पीछे भाग रहा, डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके पीछे, आप भाग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी नौकरी आपके पीछे भागने वाली है, आपके मकान आपके पीछे आने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके स्वर्ग दूत आपके पीछे आने वाले हैं। जब तक आपका काम नहीं बनता, जब तक आप राजा की तरह अमीर नहीं हो जाते, मेरा परमेश्वर एक स्वर्ग दूत को ऐसे लोगों के पीछे रखता है, याद रखना। मेरा परमेश्वर और यूसुफ के पीछे ऐसा रखा, कहता है कि तू इन चीजों से भाग रहा है, कह रहा तेरे पीछे मैं भाग रहा हूं कि जा, इसको आज प्रधानमंत्री बना कराओ मिस्र के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर पीछा करता है। कौन कहता है परमेश्वर पीछा नहीं करता, शैतान पीछा करता है। लोग बोलते हैं पास्टर जी साठे करना शैतान पीछा कर रहा है, अरे बेवकूफ कहीं के पीछा वो नहीं कर रहा। कहता है अगर तू पश्चाताप करता है तो मेरा परमेश्वर तेरा पीछा करने वाला है। लेकिन आपका एक राइट डिसीजन, कहता है कि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको शैतान को पीछे लगाता है, आपका एक राइट फैसला आपके पीछे परमेश्वर को लगाता है। मैं यहां पर कह रहा हूं पहला तिमोथियस जब 4:12 पढ़ते हैं तो उसमें पहला तिमोथियस के 4:12 में लिखा तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, करे और तेरे जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। इसका मतलब कि यहां पर बाइबल बता रही है कि तेरे जवानी के दिन जो है तुच्छ ना जानने पाए कोई लोग। यहां पर करे तेरा जो लाइफस्टाइल है उसको तुच्छ ना जाने। जब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के बेढंगे कपड़े पहनकर, स्किन टाइट कपड़े पहनकर, करे स्कल्टे पहनकर करे घूमती है बाजार में, तो उसके बाद गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं करे बेवकूफ कहीं की जवानी में कैसे घूम रही, अरे उसको तुच्छ जानते हैं लोग, लेकिन गलत बातें बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पहरावे के अंदर अरे परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप स्कर्ट पाके, स्किन टाइट कपड़े पाके घूम रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह को अपने साथ बाजार में ले जा सकते हो? मूसा बोलता है परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाने, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जा सकता। अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, या कलीसिया के मेंबर हैं, या पर कहीं पर भी हैं, अगर आप ऐसे बेढंगे कपड़े पहनते हैं तो उसी समय यीशु आपके साथ नहीं है, याद रखना। कह रहे ठीक है यीशु आपसे बाद में मिलेगा लेकिन उस समय आपके साथ नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने, मैं देख रहा था एक नए जोड़े की शादी हुई और उसी समय उसका हाथ पकड़ पकड़ के धटक झटक के मारा, उसको शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, औरत ने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में नहीं चलता भाई साहब यहां पर ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग करते हैं, उनका कल्चर है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ, अपनी सोचों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों से बाहर आओ। आज आप किसी के लिए आदर्श बन सकते हो। लिखा यहां पर पढ़ तेरी जवानी को कोई तुच्छ, कोई तेरी जवानी को कुछ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। यहाँ पर व्यभिचारिणी औरत, करा उसको लोग पत्थर मार रहे थे और जान से मारने वाले थे, लेकिन क्योंकि उसके बेढंगे कपड़े थे और उनके लड़के लड़कियों को खराब कर रहे थे वो, लेकिन वहां पर इसराइलियों ने उसको मारना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचा लिया आकर। और लेकिन यहां पर जब वो बच गई, वो औरत ने एक राइट फैसला लिया, एक राइट डिसीजन लिया, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। जब यीशु मसीह कब्र
में रखा गया तो वही औरत है, करे के वो औरत करे के एक साधारण कपड़ों में वहां पर कब्र पर यीशु मसीह के गई और पूरे लोगों को जाकर उसने प्रचार किया, जहां पर मरने के बाद चेले करे डर गए थे, निराश हो गए थे, प्रॉब्लम्स में थे कि अब यीशु मसीह जिएगा कि नहीं जिएगा, हमारे साथ कौन साथ चलेगा, पता नहीं यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं। इस औरत ने कहा, बोलती है, प्रभु के तूने मुझे बचाया था, उस दिन का उपकार मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कैंसर से, शुगर से, थायराइड से, दुष्ट आत्मा से अगर आपको आजाद कर दिया है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने बेढंगे कपड़ों से बाहर आओ, अपने बेढंगे विचारों से बाहर आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अपने थॉट से बाहर आओ। कहता नहीं नहीं अपा इंग्लैंड रहने, अमेरिका रहने, ओपा जी रहने होंगे, कहता है उत्थे भी यीशु मसीह रहता है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप कहीं भी रहते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके अंदर, कह रहा मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक पाप ये धरती पर आने वाला है और आ भी रहा है, ये शुरू से आ रहा है, लेकिन और ज्यादा तेजी से होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनूं, कि लोगों को बताऊं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये औरत ने, और जब वहां पर गई तो इसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और उसके कपड़े जो है वो स्त्रियों वाले कपड़े थे, और उसी समय परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीष दिया और कहा, बोलता है कह रहा जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां इस औरत के बारे में भी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसने एक आदर्श बनी, ये अपने परिवार के लिए आदर्श बनी, आपको भी बनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर सबोदेशक की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा 10 के कह रहा है 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा 8 में कह रहा है जो कोई पाड़ा तोड़े सांप उसी को डसेगा। आपके विचार आपको गिराते हैं, आपके विचार आपको काटते हैं, इसलिए प्रभु कह रहा है, कहता है कि अगर तेरे विचार, अगर तेरे शरीर का अंग तुझे कोई ठोकर खिलाए तो कह रहा है उसे काट दे आज। तो कह रहा है कि आज आपको अगर कोई ठोकर खिला रहा है, आपको फेसबुक पर कोई लड़का या लड़की, उसको डिलीट करो। भाई साहब गुस्से में मत आना, कहीं मुझे ही डिलीट कर दो। मैं तो यह कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको उन विचारों से, कह रहा है आपको उन विचारों से बाहर आना है जो आपको फीलिंग्स डाल रहा है, मतलब जो आपको, मतलब कि वहां पर नहीं पहुंचने दे रहा और आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि नहीं मेरी शादी हुआ और वो मुझे तंग कर रहा है बार बार, अगर बार बार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप मसीह लोग हो, आप उसी समय उसको डिलीट करो, दूर हो जाओ। अगर बार बार बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, बैड विचार आ रहे हैं, उसको को दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान बार बार पीछा करता रहा जब तक यीशु मसीह ने ये नहीं कहा दूर हो जा। एक बैड विचार आपका जब तक पीछा करता है पूरी रात, जब तक आप उसको उठकर ये नहीं कहते चल दूर हो जा मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पीछे एक अच्छा विचार आने वाला है, एक अच्छा विचार मैं आज आपको दे रहा हूं, मेरा परमेश्वर आज आपका पीछा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज आपके कामों को बनाने वाला है मेरा परमेश्वर। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा कर रहा है जो कोई बाड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। ओनली फोर कह रहा किसको डसेगा, कह रहा जो कोई बाड़ा तोड़े। तो आज आपको कहना, कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इन विचारों से भागूंगा, मैं उन बुरे ख्यालों से भागूंगा, मैं दूर हो जाऊंगा, मैं बुरी संगति से दूर हो जाऊंगा। आपको दूर होना है, परमेश्वर का आत्मा आपको दूर करने के लिए आया है। कहता है कि आपको इन विचारों से भागना है। मैं कह रहा हूं जय जब मिलेगी, कह रहा है जब आप भागेंगे। परमेश्वर ऐसी लड़कियों का इंतजार कर रहा है, ऐसे लड़कों का इंतजार कर रहा है जो दूसरों के लिए आदर्श बनकर आ रही है। परमेश्वर बताना चाहता है रूथ की हिस्ट्री के बारे में, जब देखते हैं रूथ, हो सकता था कि वो उसका जब जवानी में पति मर गया और यहां क्या लिखा, अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग जा। और ये जब जवानी में इसका पति मर गया तो इसने क्या किया, इसने दिमाग में विचार आ सकते थे, ख्याल आए होंगे इसके दिमाग में भी कि यार तू शादी कर ले। और आज लड़कियां लड़के क्या करते हैं कि विचार लेकर आते हैं कि मेरी अगर बेशक कोई बात नहीं काला है तो क्या हुआ, अरे फिर भी क्या हुआ, अरे क्या है, लेकिन इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, मैं शादी कर लूंगी कोई बात नहीं, मेरा पति शराब पीता है मैं छोड़ दूंगी। यीशु मसीह ने कहा एक औरत को तू 5 पति कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं है। विचारों में से बाहर आ, कह रहा है वो शांति तुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन जो परमेश्वर तुझे शांति देने वाला है वो तेरे विचारों से देने वाला। आज कहता आज परमेश्वर के विचारों से मिलने वाली है शांति। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के विचार आपके अंदर जा रहे हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के विचार आपके अंदर जा रहे हैं। और आज रात जितने बाइबल को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अभी कहा है, कहता है कि मैं इनके बच्चों के ऊपर से वो विचार बनाने वाला हूं आज यीशु मसीह के नाम में। जो माँ बाप टेंशन में है कि मेरी बेटी मेरा बेटा खराब ना हो जाए, या जबरदस्ती
लव मैरिज ना कर ले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहता है आज मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, यह आशीर्वाद है। लेकिन आपको आपको बोल्ड होना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज भाग रहा हूं इन चीजों से। कह रहा जब आप भागेंगे दूर हो जाएंगे परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं किसी लड़के के लिए किसी लड़की के लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए पूरे देश के लिए मैं इसी समय आदर्श बनूंगी, मैं गवाही का कारण बनूंगी। यहां पर रूत ने कह रहा क्या किया, हो सकता था ये शादी कर सकती थी किसी अमीर आदमी से, और इसके इसके साथ में जो इसकी भाभी थी जेठानी या देरानी थी, और उसने भी क्या किया, उसने दूसरी जगह शादी कर ली और चली गई छोड़कर। लेकिन रूत का एक राइट फैसला कि मैं अपनी सास को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर इसराइल के परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी, जब वो मुझे कहेगा तब करूंगी। और उसने भरोसा रखा और उसी समय आज भी पूरे इसराइल के अंदर सास ससुर भी गवाही देते हैं, कहते हैं बहू तो ऐसी, आज मतलब कि बहुत लोग गवाही देने वाले हैं आपके बच्चों को देखने के बाद कि बच्चे हो तो ऐसे। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज के वचन के बाद मैं घोषणा करता हूं कि लोग कहेंगे कि बच्चे हो तो ऐसे, अरे बेटा हो तो ऐसा, पत्नी हो तो ऐसी, पति हो तो ऐसा, अरे माँ बाप हो तो ऐसे। बाइबल भविष्यवाणी करती है इन बातों के लिए, कह रहा जैसा तू है, कह रहा कि वैसा नहीं चाहता परमेश्वर, कह रहा कि पवित्र बनो जैसा परमेश्वर पवित्र है। कहता कि जैसा मैं पवित्र हूं, कहता वैसा बनो, कहता जैसा मेरा चाल चलन है। पहला पत्रस बोलता है जैसा मेरा चाल चलन है, कहता वैसा तुम्हारा चाल चलन हो जाए। 1 के 15 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा जैसा तुम्हारा चाल चलन है, कहता वैसा नहीं, कहता जैसा मेरा चाल चलन है वैसे हो जाओ। ये परमेश्वर है, अगर आप बेढंगे कपड़ों से बाहर आ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज के बाद शैतान पीछा नहीं करेगा, आज के बाद यीशु मसीह तुम्हारा पीछा करेगा, आज के बाद स्वर्गदूत तुम्हारा पीछा करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट जो आज तक नहीं मिली मैं कह रहा हूं आज मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कौन सी आशीष आपको नहीं मिली मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहला पत्रस में जब पढ़ते कह रहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है पवित्र हो जाओ, और कह रहा बढ़ जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने आपके ध्यान को भटकाना चाहता है शैतान, इसलिए क्या करता है कह रहा कि आपके चाल चलन पर कहता है शक करवाता है। इसलिए आपको अपने अंदर करना है, कह रहा है जैसा मेरा प्रभु पवित्र है वैसा पवित्र बनूंगा, जैसा मेरे प्रभु का चाल चलन है वैसा चलूंगा। अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपके पीछे जिसने भी जादू टोना छोड़ा है, जिसने भी शैतानी ताकत छोड़ी है, आज मैं ये नहीं कर रहा हूं उसके पीछे दोबारा उसके पीछे भेज रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको मैं फ्री करा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आज आपका राइट डिसीजन देख रहा है कि इस वचन को सुनने के बाद आप हाथ उठा रहे हैं, सिर पर हाथ रख रहे हैं या आंख बंद करके कह रहे हैं कि परमेश्वर हां मैंने बहुत बार बेढंगों में रहा हूं, बेढंगे विचारों में रहा हूं मैं, बहुत बार मेरे अंदर बैड ड्रीम्स रहे, बहुत बार मैंने बुरी लड़कियों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे बुरे लड़कों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे लड़कों के साथ बैठकर फीलिंग्स लिया, लेकिन परमेश्वर मैं आज भी उसको बहन नहीं कहता हूं, मैं उसको बहन नहीं बोलते हुए शर्माता हूं। बहुत बार शुरू शुरू में लड़के बहन बोलते हैं, बाद में बहन नहीं बोल पाते उसको, रीजन है इसका मतलब फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको इन फीलिंग्स से बाहर आना है, आपको जीतना है चर्च। कह रहा है मक्खी कहां बैठती है, गंध पर बैठती है, मक्खी कहां बैठती है, गंध पर बैठती है। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और कहो उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। बोलो मेरे परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। जहां पवित्रता ही है वहां शैतान नहीं हो सकता, याद रखना, जहां पवित्रता ही है वहां शैतान नहीं हो सकता। और कह रहे जहां गंध है वहां मक्खी बैठती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बैठता वहां पर। इसका मतलब कोई विचारों में गंध है, इसका मतलब यही है कि एक बड़ी आशीष आने से पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर पवित्रता ही देखना चाहता है। पवित्रता ही अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, पवित्रता ही अंदर आएगी, कर्जे बाहर जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को बदलो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि शैतान को मालूम है, कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, कहता है और उसी समय कह रहा है कि ये बेकार हो जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे, काम बंद हो जाएंगे। इसाक ने अपना ध्यान कह रहा भटकने नहीं दिया, अपने विचारों को भटकने मत दो। अगर भटक रहे हैं तो उसको बोलना पड़ेगा कि यीशु के नाम से दूर हो जा गंदे विचार, मुझे प्रार्थना करने दे, दूर हो जा गंदे विचार, मुझे बाइबल पढ़ने दे, दूर हो जा गंदे विचार, मुझे सोने दे। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, ईमेल करते हैं हमारे पास, और उनके ईमेल और लेटर में क्या लिखा होता है, उनके लेटर में लिखा होता है पास्टर जी मुझे बैड विचार आते हैं, जरा प्रार्थना कर दो। भाई साहब प्रार्थना से भागने नहीं वाले, आपका एक राइट डिसीजन, आपको धनी होना है या नहीं, आपको कह रहा है कि एक अमीर आदमी बनना है या नहीं, कहता है आपको चंगाई चाहिए कि नहीं, कहता है आपका फैसला है। परमेश्वर ने यूसुफ को साफ कहा, जब वो प्रार्थना में था, क्या वो बोल रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा बात सुन सारी चीज दूंगा लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको क्लियर कहा मैं तुझे क्या दूंगा, बोलता है कि मैं तुझे
आज एक बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। कहता है यूसुफ को कहा कि तुझे क्या करना है, तुझे अपने विचारों से बाहर आना है, कहता है तुझे पाप से दूर रहना है, तुझे पाप से भागना है। कहता है जब तू पाप से भागेगा परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगियों में आशीष क्यों नहीं पाते, क्योंकि आज याद कर लो कह रहे कि आपको तीन काम करने हैं। कहते हैं आपको भागना है, आपको दूर हो जाना है। अगर आज आपके जीवन में कह रहा व्यभिचार बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है किसी के लिए, गंदे विचार आ रहे हैं, तो आपको उससे दूर हो जाना है। आपको अपने हाथों को उठाओ और कहो कि गंदे विचार मेरे ड्रीम्स में से जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे बाइबल पढ़ने से रोक रहा है इसी समय भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो प्रार्थना करने से रोक रहा है भाग यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसको मालूम है कह रहा कोई ना कोई विचार आपके पास आपका ध्यान भटकाएगा। लेकिन इसहाक ने कहा कि कह रहा कि यही कारण है कि शायद मेरी अब तक शादी नहीं हो रहा था, यही कारण है कि शायद मुझे अब तक बच्चा नहीं मिला, यही कारण है क्योंकि मैं अपने ख्यालों में रहा, मैं रोज एक ख्याल में पाप में गिर जाता हूं। आज आपको जीतना है, मैं चर्च आपको जीतने के लिए बुलाया, मेरे परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। आप जीतने वाले हैं और आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज एक राइट फैसला लेता हूं। आज आप एक पश्चाताप कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं और इसके बाद क्या होगा, आप जीतेंगे और थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगियों में एक मिराकल होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपने बैड विचारों से बाहर आ रहा हूं, मैं इस समय अपने जवानी के कहरा दिनों अपने दिन को खराब नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए एक आदर्श बनूंगा। कहता मैं आदर्श बनूंगा, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने चाचे ताऊओं के लिए एक आदर्श बनूंगा, जैसे रूथ बनी। रूथ ने अपनी जिंदगी में कहा और लोग आपको वाले हैं कि बहू हो तो ऐसी, लोग कहने वाले हैं कि बच्चे हो तो ऐसे। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख रहा है, कह रहा है जो कह रहा है कि राइट डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे मैं बड़े पैसे वाला हो जाऊं, चाहे मैं जॉब वाला हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में व्यभिचार का पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं लालच नहीं करूंगा किसी चीज का। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहा कि अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो यीशु मसीह ने कहा, कह रहा शैतान आपको डरा रहा था और लिख रहा था। बहुत सारे लोगों के अंदर यह बात आ रही थी कि दाऊद ने भी तो ये गलती कर दी थी, परमेश्वर माफ कर देगा। आज बहुत सारे लोग पाप इसलिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, कह रहा है कि लिखा है बार-बार सुना रहा था शैतान उसको, लिखा है लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल भाग यीशु मसीह के नाम में और उसी समय दूर कर दो आज उस विचार को। मैं कह रहा हूं जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपको ख्याल में आ रहा है कि शायद मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मुझे मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन मैं परमेश्वर से कह रहा है कि आज आपकी जिंदगी में वो काम कराऊंगा, मैं परमेश्वर से कराऊंगा। मैंने क्या बोला, मैं करवाऊंगा, मैं मेरी प्रार्थनाएं करवाएंगी, मेरा विश्वास करवाएगा आज। लेकिन आप अपने विचारों से बाहर आओ, बैड ड्रीम से बाहर आओ, अपने अच्छे ड्रीम्स को, अपने अच्छे विचारों को मारो मत, बाहर रखो परमेश्वर के सामने, प्रार्थना में रखो। लेकिन आप शाम के समय एक बड़ी तरक्की को करने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए, जितने लोग आज मेरे पीछे बोल रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं, परमेश्वर जैसे इसहाक प्रार्थना करने के लिए गया शाम के समय, पवित्र आत्मा ध्यान लगाने के लिए गया, बोलो कि आज से मैं ध्यान लगाऊंगा परमेश्वर तेरी ओर, आज से परमेश्वर मैं तेरी ओर ध्यान लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जी मैं अपने विचारों में गिरूंगा नहीं, मैं पाप के विचारों में गिरूंगा नहीं। मेरे परमेश्वर मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं शुद्ध मन को रखूंगा, मैं अपनी जवानी की अभिलाषाओं से, मैं अपनी जवानी की इच्छाओं से भाग जाऊंगा। मेरा मन कुछ भी कहे, मेरे विचार कुछ भी कहे, मेरी फीलिंग्स कुछ भी कहे किसी लड़के या लड़की के लिए, लेकिन मैं उसी समय उस फीलिंग्स को डांट दूंगा भाग यीशु मसीह के नाम में। आप जब डांटते हो किसी फीलिंग्स को, एक गंदी फीलिंग्स को डांट रहे हो, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए स्वर्ग खुल रहा यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि मैं डांट रहा हूं उसको यीशु मसीह के नाम में, आप डांटो उसको यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु बोलता है इस बात के लिए कि अपनी जवानी में कहता है कि आदर्श बन, कहता है अगर पैदा हुआ है परमेश्वर ने तुझे एक गवाही के लिए बनाया है, आज अपनी गवाही को खराब ना होने दो। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेज रहा है, परमेश्वर आपके लिए एक राइट समय पर काम करने के लिए जा रहा है। जो लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर कह रहा है, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा मैं अगर एक कोई गंदा विचार मेरे दिमाग में आएगा तो मैं भाग जाऊंगा उस स्थान से, अगर कोई ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं यहां गिर जाऊंगा तो मैं हट जाऊंगा वहां से और मैं हटूंगा परमेश्वर आज से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं इन लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर कि आज से इनके बच्चे ऐसे प्रमोशन करें पवित्र आत्मा जी, इनका ध्यान लगे प्रार्थना में, आज से इनका ध्यान बाइबल पढ़ने में लगे, आज से इनका ध्यान सच में फास्टिंग करने में लगे। जब यीशु मसीह
ध्यान करने जा रहा था फास्टिंग करने के लिए 40 दिन की, तो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। इसका मतलब परीक्षा सिर्फ विचारों से हो रही थी। परमेश्वर आज इनके विचारों से परीक्षा लेता है। जब ये बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो शैतान इनके विचारों में आ जाता है। परमेश्वर जब ये प्रार्थना कर रहे होते हैं शैतान इनके विचारों में आ जाता है। मैं इसी समय उसको डांटता हूं, भाग इनके विचारों से यीशु मसीह के नाम में, और आप कहो कि इसी समय शैतान मेरे विचारों से दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आप कर फास्टिंग करने लगते हैं, जब यीशु मसीह फास्टिंग करने लगा उसके विचारों में आ गया, आपके विचारों में भी आ सकता है, आपके विचारों में भी आता है, लेकिन आपके मुंह का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। आपके मुंह खोलने का एक इंतजार कर रहा है कि आप कब फैसला लेंगे। अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर अब से मैं पवित्र आत्मा जी उन विचारों को डांटूंगा, मैं उन गंदे विचारों को छोड़ दूंगा, परमेश्वर उसी समय आपके लिए मुंह खोलने वाला है, आपके लिए प्रोफेसी करने वाला है, आपके लिए कह रहे परमेश्वर ध्यान लगाने वाला है। आज से मेरा परमेश्वर उनकी ओर ध्यान लगाएगा जो सच में इस समय पवित्र आत्मा थी, इस शाम पवित्र आत्मा यूट्यूब पर लाइव में पवित्र आत्मा इस मिस्ट्री के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर तेरे कलाम को सुन रहे हैं। आसमान के खुदा, मैं इन लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि मेरा खुदा आज आपके बिजनेस पर ध्यान लगाएगा यीशु मसीह, आज आपको जॉब दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज आपको फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आज आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं अपने विचारों से बाहर आ रहा हूं, मैं अपने विचारों में दृढ़ रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, मैं प्रोफेसी करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि सच में पवित्र आत्मा थी, तो उन लोगों को देख रहे जो दृढ़ हो गए हैं परमेश्वर, वो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मैं तेरे वचनों की ओर ध्यान लगाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भी ध्यान कर रहा हूं, मैं इनका घर इसी साल में बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इनके बच्चों की शादियां करूंगा, ध्यान लगा रहा मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए, आज का वचन बोल रहा है, कहता है कि आपने जब ध्यान किया है इस वचन की ओर, तो परमेश्वर ने मुझे अभी कहा प्रार्थना में कि इनको बोल, कहता है कि मैंने भी ध्यान कर लिया है कि अब मैं इनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका आमीन ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करने वाला, आज रात से आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम कर। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे तो अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरे परमेश्वर एक बड़ा काम इनकी जिंदगियों में होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको अपने विचारों में गिरना नहीं है। आज मैं आपको इसी समय एक छोटा सा मैं कोर्स कर रहा हूं। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जब भविष्यता जब गाता था तो उसको, जब वो सॉन्ग गाता था तो उसी समय दाऊद को भविष्यवाणी आती थी, जब अहलिया और अलीशा सॉन्ग गाते थे उनको भविष्यवाणी आती थी। आप जब मेरे साथ गुनगुनाएंगे तो आपको परमेश्वर भविष्यवाणी करना सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और मेरे प्रभु सच में जितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी तेरे कलाम को सुना है, मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सुना है परमेश्वर, आज इनकी स्टोरियां बनाई जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, इन लोगों ने सीख लिया आज कि सच में शैतान को हमें डांटना पड़ेगा। आज आपने सीखा शैतान को आपने डांटना है, आपने अपने विचारों को डांटना है। शैतान आपके सामने दिखाई नहीं देगा, आपके विचार ही वो आपके शैतान है। आपको उसी समय उसको डांटना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा 40 दिन की प्रेयर में कि दूर हो जा। आज से कहो इसी समय मेरे बच्चों के दिमाग से दूर हो जा दुष्ट। इसी समय जब आप बाइबल पढ़ते हो तो इसी समय कहो कि परमेश्वर यीशु मसीह के विचार मेरे अंदर आए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बैड ड्रीम्स मेरे घर से जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जितने लोगों ने यह फैसला लिया है परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा, मेरे प्रभु जी मैं सुबह शाम दोपहर प्रार्थना में ध्यान लगाया करूंगा, मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है, कहता मैं तुम्हारी ओर ध्यान लगाऊंगा आपसे यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाऊंगा। सुलेमान ने कहा और परमेश्वर ने उसे मंदिर बनवाया, पवित्र आत्मा आज आपसे वो बनवाने वाला है जो हम मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर इनकी जिंदगियां बदल दे आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर तुझे सच में पवित्र आत्मा दिल से ढूंढा, दिल से मेरे पिता परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके ऊपर से हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक काला जादू टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सच में जो लोग व्यभिचार से भागते हैं, जो लोग लालच से भागते हैं, तो उनका पीछा करता है परमेश्वर।
मैं ऐसे लोगों के पीछे स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, और जो लोग ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की ओर उनके पीछे स्वर्गदूत खड़े हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज इनके घर पर मैं स्वर्गदूतों को भेजता हूँ, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में और इनको ब्लेसिंग दो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम फिर से गए, फिर से कहें सामर्थ्य से भर दे, सब गए मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, फिर से कहो सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा, फिर से कहे फिर से कहते रहे, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे, हर एक बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब टूट रहे हैं, जो इसी समय औरतें कुछ बहनें रो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं बंधन तोड़ रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसी समय सारा जादू तो ना खाएं, सारा खाया पिलाया पार जाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय आप फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मेरा अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा कह रहा है आज अपने हाथों को उठाओ, आपके ऊपर एक बड़ी अनॉइंटिंग आ रही है, आज से आप ज्यादा धन कमाने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप फिर से गाएं, आज से आप एक नई जॉब के साथ ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर से आप काम के छींटे खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आमीन कहिए आमीन, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि इसी समय कोई बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में खून के छींटे आते हैं, और इसी समय चेक कर मोबाइल पर आवाज, इसी समय खून के छींटे आते हैं, खून के छींटे, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि अभी हाथों में इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ले लो, और इसी समय परमेश्वर इनके अनॉइंटिंग वाटर को मैं इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय जाओ अपने घर में डाल दो जिसके घर में खून के छींटे आते हैं, आज के बाद नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, जो बच्चे बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो इनके बच्चे स्टडी में कमजोर हैं, अपने हाथों को उठाओ और एक अनॉइंटिंग ऑयल ले लो, मैं उनके लिए खासकर प्रार्थना करता हूं, चाहे कोई वो फॉरेन में है, पाकिस्तान में है, चाहे वो कहीं पर है इंडिया में है, चाहे वो नेपाल में है, चाहे वो कहीं पर भी है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं पर भी है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और इसी समय हाथ बढ़ाओ और परमेश्वर काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रार्थना से आज मैं कह रहा हूं बैठ से खड़े होने वाले हो आप यीशु मसीह के नाम में, मैं आज प्रार्थना करूंगा और आप बैठ से खड़े होंगे, जो नहीं चलता वो चलेगा, जो नहीं देखता वो देखेगा, मेरी आंखों में देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे, पावर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय बड़ी पावर इनके घुटनों को छुए, मैं देख रहा हूं किसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घुटने फिर से बल पा रहे हैं, ताकत पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तो डॉक्टर ने कहा तेरे ऑपरेशन होगा, मैं कैंसिल करता हूं उस ऑपरेशन को यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय किसी के हार्ट का ऑपरेशन है, मैं कह रहा हूं सक्सेसफुल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, इसी समय पार यीशु मसीह के नाम में, पार यीशु मसीह के नाम में, हार्ट में से इसी समय प्रॉब्लम पार इसी समय यीशु मसीह के नाम में, पार यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय बड़ी ब्लेसिंग को आप देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और राजा रवासना यो बरे रे रे रे, और जिनके पास ऑयल है इसी समय अपने हाथों में उठाओ ऑयल को, अब लबा शबा लबा लबा शबा लबा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस ऑयल में
इसी समय तेरी सामर्थ को खोलता हूँ यीशु के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जितने लोगों के पास ऑयल है और अनॉइंटिंग वाटर है परमेश्वर, इसी समय वो सामर्थ उतरे। और इसी समय जब आप ऑयल उस बच्चों पर लगाओ, खासकर उन बच्चों पर लगाओ जो पढ़ाई में कमजोर है, उनके माइंड पर लगाओ, उनके दिमाग पर लगाओ जो बच्चे कमजोर है, और जिनके ऊपर मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आएगा, जो हक लाते हैं वो बोलने लगेंगे अबा लबा शबा लबा। मैं किसी बच्चे को देखता हूँ एरन, परमेश्वर का आत्मा बोलता है स्टडी में तो ब्लेसिंग देखने वाला यीशु मसीह के नाम में। और राजा रबा सनायोवा कोई लुधियाना से मुझे देख रहा है, उसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको 3 महीने के अंदर परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी पत्नी में बार बार प्रॉब्लम हो जाता है 3 महीने के अंदर और प्रेगनेंसी गिर जाती है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, और कुछ औरतों ऐसी प्रॉब्लम होती है जो 3 महीने के बाद गिर जाते हैं, उनका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूं आपने ऑयल अभी पेट पर लगाओ और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आज के बाद आपको आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कोई लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी तेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। सोनू परमेश्वर का आत्मा फिर बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो एक शोरूम में जाएगा, शोरूम में परमेश्वर आपको एक शोरूम खरीदने के लिए देने जा रहा है। इसी समय आमीन बोलो और परमेश्वर आपको दुकान के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आत्मा में देखता हूं कोई दास फैमिली जिसके पीछे दास लगता है, दास, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत डर, परमेश्वर तेरे पति को, तेरे परिवार को, सबको चेंज करने के लिए जा रहा है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने के लिए जा रही है, ब्लेसिंग होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अबा लबा शबा लबा। फिर से कहें अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। और इसी समय जब आपने गाया उबल, परमेश्वर का आत्मा तुझे बोलता है कि तेरा बच्चा बोलने में, हकलाने में प्रॉब्लम करता है, खाने में प्रॉब्लम करता है, परमेश्वर का आत्मा फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीर्वाद देता हूँ जो बच्चे हकलाते हैं इसी समय चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ RSMPN नाम वालों को घर की आशीष दे रहा है परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में धड़ाधड़ कमाइयां आएंगी आपकी, आपकी धड़ाधड़। मैं कह रहा हूँ, मैं गवाइयों के लिए अभी क्यों नहीं बोला मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अक्टूबर और नवंबर में धड़ाधड़ आपकी गवाइयां आएंगी। जिनके पास मकान नहीं है, मकान की आशीषें खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और राजा रबा सनायोवा रख, इसी समय पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होने पर पुष्पा बहन, राजू भाई, परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपके घर में कोई नशे की प्रॉब्लम है, बच्चे या परिवार में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मुझे देख भी रहे हैं इसी समय परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर से वो नशे के शराब को तोड़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रियंका, पिंकी, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी तुझे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, मैं सुजाता तुझे पवित्र आत्मा छू रहे। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ और फटाफट परमेश्वर का आत्मा इसी समय बोल रहा है और रिसीव करो। आबा लबा शबा लबा। इसी समय फ्री हो जाए वो नशे से फ्री हो जाए इनके घर वाले, इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे। इसी समय नशे की गंदी आत्मा को इसी समय मैं बाहर फेंकता हूँ और इनके परिवार से इसी समय नशा जय यीशु मसीह नासरी के नाम में, नशा जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग को खोलता हूँ। दीपा, और इसी समय दीप, शिखा, परमेश्वर अभी इसी समय 3 महीने में खुशखबरी देगा, जल्दी आपके घर में गुड न्यूज आएगी, शादी के लिए भी, हर चीज के लिए भी परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबा लबा शबा लबा। वो आत्मा बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अर्चना, आराधना, कोई ऐसा नाम देखता हूँ राधिका, हाँ परमेश्वर का आत्मा, विनोद, परमेश्वर का आत्मा आपकी जीवन में काम कर रहा है, सोनिया, रांचील, मैं कुछ देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेटे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेटा मिलेगा, बेटा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आशीषित होंगे, आप कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। मैं देखता हूँ जेट और एम, एन, एस, आर और के नाम वालों को बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ये भविष्यवाणी जल्दी पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप प्रेगनेंसी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सविता, मंगल, संतोष, मैं इसी समय आत्मा में देखता हूँ कंचन, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा ममता तुझे परमेश्वर छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चे बहुत वीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार कि अभी वो शायद कोई अभी बोला है अभी बैठकर, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं कोई बॉम्बे से देख रहा हूँ
और बिहार यूपी से देख रहा हूँ किसी के बच्चे पढ़ाई में लिखाई में बहुत कमजोर है, अपने हाथ तक उठाओ और परमेश्वर इसी समय उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबासना यो बरे रे इसी समय लाकड़ा फैमिली तुझे परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, टिक्का फैमिली, टूटू फैमिली, सुनो बिट्टू फैमिली, परमेश्वर भट्टू भट्टी और इसी समय मट्टू गिल फैमिली, मैं फिर से कर रहा हूं, मैं 3 महीने बोलता रहूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी तुम्हारे लिए, क्योंकि आत्मा ने मुझे बोला है कि मैं इनको आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो निराश थे अब आप बाहर आएंगे निराशा से यीशु मसीह के नाम में, जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स थी इसी समय परमेश्वर कह रहा है यादव फैमिली मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, रंधावा फैमिली मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ कुछ जन ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, आपके घर की आशीषी खुल रही है मेरी, मैं कह रहा हूँ फिर से कह रहा हूँ मत डर कोरोना से, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ कह रहा है कुछ तो करके दिखा अपनी लाइफ में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले का जीवन छोड़ और आगे बढ़, परमेश्वर तेरी लाइफ में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इस समय बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं कोरोना वायरस से, इसी समय खांसी बुखार जाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय बाहर आए यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इस समय इनके अंदर आज से फीलिंग्स आने पाए, हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन कहिए आमीन। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मकान नहीं बना पा रहे, उन लोगों के लिए मैं खासकर प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनके मोबाइल में 555 आता है मोबाइल में, उसको खुशखबरी मिलेगी, परमेश्वर का आत्मा छूने के लिए जा रहा है। अब अलाबा शब अलाबा आप इसकी तरफ देखें, अकाउंट अपने ATM अपने कार्ड अपने जो भी कोई आपके हाथ में है, जो भी कोई आपके पास फोटो है, और इसी समय आप अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं ऐसे करके अपने कार्ड पर। कुछ लोगों के घर में जो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में काम नहीं होगा, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, यह मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है 3 हफ्ते के अंदर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा। आप इसी समय जिनको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मैं मकान नहीं बना सकता, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि मैं कुछ शैतानी चक्कर में हूँ, आप इसी समय अपने अकाउंट पर और अपनी बैंक कॉपी पर ऑयल लगाओ और कपड़ा रख लो, अभी रख लो, मैं कह रहा हूँ कि फंड आएगा, मिराकल मनी होगा और एक चमत्कार अभी देखेंगे आप। इसी समय ओ मिराकल मनी को मैं खोलता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय बड़ी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ये कर्जे के शराब इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से टूटने पाए, पवित्र आत्मा में तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग सच में कर्जे में है, जिनके पास जॉब नहीं है पवित्र आत्मा जी, जिनके पास घर नहीं है, मैं उनके लिए खास कर प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, इस आर्थिक तंगी के अंदर पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत जाने पाए आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय इनकी हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में मिराकल मनी होने पाए, और जाओ मिराकल मनी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जाओ एंजल जाओ 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 ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय वो ब्लेसिंग देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, और मैं इनको घर की आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ RSMPN और KT नाम वाले घर की ब्लेसिंग को देख रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग को देख रहे हैं आप, मेरे हाथ की तरफ देखो, और इसी समय ये किरणें कुछ निकलेंगी आपके ऊपर, अभी जैसे मूसा के चेहरे से किरणें निकली थी ऐसे मेरे चेहरे के ऊपर से आपके ऊपर किरणें निकलने वाली हैं, और आप एक बड़ी फीलिंग्स को देखने वाले हो। अभी इसी समय बीमारियां बाहर जा रही हैं, चलो निकल जाओ, पथरियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, चल निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, मेरे हाथ की तरफ देखो, पथरियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां बाहर इसी समय, किसी की ब्रेस्ट में रसोलियां निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये मेरे ऊपर से इसी समय वो अभिषेक आ रहा है और ये हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। ओ मेरी बेटी, आत्मा तुझे कह रहा है तू निराश मत हो, आत्मा तेरे से बातें कर रहा है और वो कह रहा है मैं तुझे देख रहा हूँ, नेपाल के अंदर तुझे देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू दुष्ट आत्मा के चक्कर से छूटने वाली है, तेरा नाम ऐसे है, और आत्मा कह रहा है ये ले बाहर आ यीशु मसीह के नाम में, मैं देख रहा हूँ, आत्मा कह रहा है मेरी बेटी मत डर, मैं देखता हूँ तेरा नाम RSZ से M से है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू पाकिस्तान में है, तू मकान के लिए जॉब के लिए बहुत परेशानी है, पवित्र आत्मा कह रहा है ये देख प्लस यीशु मसीह के नाम में, आज इसी समय एक बड़ा अभिषेक आ रहा है, ओ रा 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 रा, मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी बेटी मेरी बातों को सुन, निराश मत हो, और इसी समय मैं देख रहा हूँ उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पवित्र आत्मा कह रहा है
कह रहा कि मेरी बेटी मैं तेरे आंसुओं को पूछ रहा हूँ, तू एक जवान लड़की है और तुझे बहुत टाइम से बैड ड्रीम आते हैं, यही कारण है तू गवर्नमेंट जॉब कई बार भर चुकी है लेकिन तेरा काम नहीं बन रहा। आत्मा कह रहा है जी से तेरा नाम है, टी से तेरा नाम है, आत्मा कह रहा है तू आजाद हो रही है प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये ले गवर्नमेंट जॉब की आशीष को ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सना यो बारे रे रे रे। आत्मा बातें करता राजू, परमेश्वर का आत्मा तेरे घर में आशीष दे रहा है और इसी समय जल निकल जा गंदी आत्मा पर इसी समय यीशु मसीह के नाम से। एक ज्योति बहन है आज उसने पीले रंग का कुछ कपड़ा डाला है और पवित्र आत्मा कह रहा है इसी समय तुझे कोई प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्मा तुझे तंग कर रही है और इसी समय पर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ गुरविंदर तुझे देख रहा है पवित्र आत्मा और तू रो रहा है और तेरे घर में कोई परेशानी है मनप्रीत, पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर का आत्मा तुमसे बातें कर रहा है, तुम कौन हो लेकिन परमेश्वर तुमसे बातें कर रहा है। डाउन करो अपने आप को, अपने आप विचारों में डाउन हो जाओ और एक गुस्से में मत रहो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घर से शराब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमने आज के बाद इसी समय स्वर्गदूतों को भेज रहा हूँ, एक बड़ी ब्लेसिंग देख रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आत्मा देख रहा हूँ तेरे घर में कुछ अंगूठियां हैं और वो अंगूठियां कुछ लोगों ने अंगूठियां डाली उसके अंदर नग नग निकाल दो, यही कारण है कि आपके घर में तीन दिन शांति रहती है दूसरे दिन आपके घर में झगड़ा रहता है। परमेश्वर का आत्मा तुझे फल दे रहा है। एक भाई है उसके घर में कोई बहन कोई पत्नी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसके फेस पर धब्बे पड़ते हैं काले, इसी समय जय यीशु मसीह के नाम में। किसी को व्हाइट स्टोन और व्हाइट व्हाइट धब्बे पड़ते हैं शरीर पर, चित कबरे और इसी समय ये स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जयपाल मैं तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अबालाबाश शबाला कोई गोविंद मुझे देखता है और आत्मा कह रहा है तू एक अच्छा बिजनेसमैन होगा थोड़े दिन के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबालाबाश शबाला मैं फिर से कहता हूँ पीटर और पाटरा फैमिली, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे कामों को खोल रहा है, मैं आत्मा में देखता हूँ और ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग देता हूँ तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। खुजर फैमिलियों में तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सना यो वरे रे 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 रे। और इसी समय मुझे कोई आसाम से देखता है, वेस्ट बंगाल से देखता है और उसके घर में किसी का हाथ पैर नहीं चल रहा और कुछ लोग मुझे पंजाब से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं और उनके घर में कई दिन से हाथ और पैर में प्रॉब्लम हो रहा है। रिसीव करो अब इसी समय ब्लड प्रेशर जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लड प्रेशर की गंदी बीमारी निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। आपने जामनी कलर का सूट डाला आपको गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सना यो बरे रे रे। कोई मुझे इटली से देख रहा है, जर्मनी से देख रहा है, एक लंबी सी औरत देख रही है, तेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद ये दुष्ट आत्मा नहीं आएगी बट यीशु मसीह नासरी के नाम में। और रा 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 तेरे पति के टांगों का दर्द जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय एक बहन देख रही है मुझे और उसके बर्तन खड़क रहे हैं गड़गड़, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये ले स्टॉप यीशु मसीह नासरी के नाम में। और किसी को छत पर आवाज आ रही है इसी समय आवाज आना बंद होगी यीशु मसीह के नाम में। आज इस समय आपके घर में आवाजें आ रही हैं, कोई फीलिंग्स हो रही है और इसी समय वो आवाजें आना बंद हो रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ वो आवाजें आना बंद हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं और इसी समय मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आज आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम नहीं बने, जिनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। जिनको दुष्ट आत्मा तंग कर रही है अभी इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, मैं आप सिर्फ आज हाथ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अभी। पवित्र आत्मा जी सच में ये खुश नसीब लोग हैं जो इस समय घर बैठकर हीलिंग को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जो आज विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में मिराकल होने पाए, मिराकल होने पाए, परमेश्वर तेरा मिराकल इनकी जिंदगी में काम करे। और इसी समय मैं छुटकारे को देख रहा हूँ आपके ऊपर। निकल जाओ कंदी आत्माओं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, निकल जाओ इसी समय मेरे हाथ के ऊपर से। ओ इसी समय मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ और तुम्हें इनके घर से बाहर फेंक रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मेरे प्रभु के स्वर्ग दूतों को भेजता हूँ, जाओ इनके घर में और इसी समय वो खाया पिलाया वो सारा जादूगर इनके घर से बाहर फेंको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा
इसी समय टच कर रहा है, टच कर रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू टच कर रहा है इनकी जिंदगियों में। किसी को एचआईवी की प्रॉब्लम है और इसी समय जिसको एड्स है, इसी समय तू फ्री हो रहा है, मत डर, नहीं मरेगा, यीशु मसीह तुझे जिंदा करेगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आज विसारों में तुझे जिंदा कर रहा है मेरा परमेश्वर। और इसी समय एचआईवी की प्रॉब्लम बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, मुझे गुड न्यूज आने वाली है। मैं देखता हूं तेरा नाम एस और जी और आर से, मैं तीन स्टेटों में देख रहा हूं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पंजाब में देख रहा हूं मैं तुझे। और परमेश्वर का आत्मा कर रहा है चंडीगढ़, तू फ्री हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो रहा है तू यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ी कवाई के साथ लौटने वाला यीशु मसीह के नाम में। दिनेश तेरी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है, इसी समय नेहा तेरी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है, और कह रहा है बेटी मैं तुझे सक्सेसफुल करूंगा। परमेश्वर का आत्मा तुझे बनाने के लिए जा रहा है, नीलू तुझे परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है, मत डर, परमेश्वर तुझे छू रहा है। मीनू, रेखा, पूजा, पूनम, परमेश्वर तुम्हें सक्सेसफुल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे शरीर में तीन दिन से बड़ी कमजोरी थी, आज तुम हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। किसी का आंखों में प्रॉब्लम है, हाथ रखो, चश्मा उतार कर देखो, जो काम आप नहीं करते वो करके देखो, चश्मा इसी समय उतर जाए, फट यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रोशनी पड़ जाए, रोशनी पड़ जाए, काला मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम में, चिट्टा मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम में, जो नहीं देखते वो देखे, जो गूंगे बच्चे हैं इसी समय बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो बहरा है इसी समय, जो एक कान से बहरा है, मैं देख रहा हूँ किसी के कान में गांठ है और अब इसी समय वो गायब हो रही है, गिल्टियां निकल रही हैं और आपका बच्चा सुनने लगा यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है वो कोई कानों में इसी समय प्रॉब्लम थी, बहरा पर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ पत्रियां बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आर एस एम एन के नाम वालों की पत्रियां, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा भाई साहब, आपको फ्री कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरी प्रार्थना से इनको हीलिंग दे परमेश्वर, अगर ये विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी, आज ही बंधन टूटने पाए। और राचार रबासना यो बने रे, मैं देख रहा हूं आपके लोग, कोई रिश्तेदार किसी के बेड पर है, हॉस्पिटल में, और इसी समय मैं घोषणा करता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम से तीन दिन में उनको छुट्टी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोमा में से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर, रसौलियां बाहर, कैंसर बाहर, टीवी की प्रॉब्लम बाहर इसी समय, टीवी की प्रॉब्लम बाहर इसी समय, कोरोना वायरस इसी समय जाए इनके शरीरों से बाहर इसी समय, अरे खांसी जुकाम बुखार जाए, कमर का दर्द जाए, सर्वाइकल बाहर, आप गर्दन घुमा कर देखो, आज सर्वाइकल चला गया यीशु मसीह के नाम में। जो काम आप नहीं करते वो करके देखो, किसी को बॉडी में पेन हो रहा है, टांगों के नीचे एड़ियों में दर्द होता है, और इसी समय वो दर्द फट यीशु मसीह के नाम में, आपके शरीर में हलचल मच रहा है, और किसी के दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और मैं दुष्ट को डांटता हूँ, चल निकल, फायर 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 फायर, निकल इनके घर से फट यीशु मसीह के नाम में। इसी इनके बिजनेस को छोड़, इनके बैंक बैलेंस को छोड़ यीशु मसीह के नाम से। हुक्म देता हूँ इनके बच्चों के दिमाग को छोड़, जो स्टडी में मजबूत नहीं होने दे रहा, फट यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये परमेश्वर का आत्मा है, और आप फ्री हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। मैं देखता हूं किसी का स्टील का बिजनेस है और वो बंद पड़ा है, आयरन का बिजनेस है खुल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मनियारी का बिजनेस है इसी समय खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा चक्का, तू कोई बिजनेस करता है जोगिंदर, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है रात यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन चर्च में तू अटेंड कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। और राचा रबासना यो बने, मैं देखता हूं एल एम एन और के कुछ नाम वाले डिप्रेशन में थे और इसी समय वो फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। चलो इसी समय डिप्रेशन में डालने वाली गंदी आत्मा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं देखता हूँ दिल्ली से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि बड़ी अनॉइंटिंग उनके घर में आ रही है, बड़ी सामर्थ उनके घर में आ रही है। आप थोड़े टाइम 50 किलोमीटर के आसपास मकान लेने वाले यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके विचार आपके गिरे हुए हैं, लेकिन विचारों से बाहर आओ, गंदे विचारों से बाहर आओ, बाहर आओ, आप दूर हो जाओ उन विचारों से। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग फौरन के लिए आशीष पाने वाले, कुछ लोगों को पीआर मिलने वाली है, मैं देखता हूँ। और इसी समय मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो और आज आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ, गुड्डू गुड़िया, और मैं देखता हूँ कंचन, खुशबू, महक, अभिषेक, और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कुछ लोगों की फैमिलियों में जो विदेशों में भी है, पी आर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूँ एस आर एम पी और टी एल नाम वालों के लिए फौरन खुल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा खुल जाए इनके लिए, हर एक आशीष को इस समय इनके ऊपर खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी जितने लोगों ने मेरे साथ प्रार्थना किया परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज
आप लोगों को इस प्रेयर में शामिल रहना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर से देख रहा हूं कि किसी का बच्चा है और वो हकलाने में कमजोर है, और इसी समय मैं उसको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और एक बार और मैं उन लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं जो ऑनलाइन प्रेयर में नहीं शामिल थे, एटीएम कार्ड अपने उठाओ। और मैं खास कर बोल रहा हूं जिसके मोबाइल में 555 आ रहा है और जिसके मोबाइल में 333 आ रहा है, उसको गुड न्यूज मिलने वाली है। और जिनके अकाउंट में मैं कह रहा हूं 100 आता है और बार बार 3 आ रहा है और 777 आ रहा है और 666 आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसके बाद आपकी स्टोरी बदलने वाली है, थोड़े दिन के अंदर आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हो। और इसी समय रिसीव करो, कितने लोगों को विश्वास है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत लोगों ने ब्लेसिंग पाया। अपने हाथों को उठाओ जो आपके पास जॉब फार्म भरा है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिसके पास मिराकल मनी की आशीष चाहिए। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ वेस्ट बंगाल वालों के लिए, इसी समय कर्नाटका के लिए, इसी समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के एक बड़े अभिषेक को खोल दे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल में बेदारी आ रही है, मैं इसी समय देख रहा हूँ नेपाल के अंदर, आसाम के अंदर, और इसी समय और त्रिपुरा के अंदर, केरला के अंदर, इसी समय कर्नाटका के अंदर, बॉम्बे, पुणे, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, और इसी समय परमेश्वर की मिराकल मनी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ हरियाणा में और पंजाब में, इसी समय चंडीगढ़ में, मैं देखता हूँ दिल्ली में, और इसी समय जहां से मुझे देख रहे हैं इटली, यूएसए से, जर्मनी से, पाकिस्तान में, और इसी समय दुबई में, दोहा, कतर में, इन लोगों के साथ मिराकल मनी के अभिषेक को इनके ऊपर छोड़ता हूँ प्लस इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय जाओ स्वर्गदूतों, इसी समय मिराकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे पतरस ने ओ सोने के सिक्के को मछली के पेट में से निकाला, मेरे पिता ये सिर्फ 1 वीक के अंदर वो मछली के पेट में से निकालने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बैंक बैलेंस आज से भर जाए, इनके काम खुल जाए, इनके गवर्नमेंट जॉब में मिराकल मनी होने पाए, इनको खुशखबरी मिलने पाए, मकान लेने जाए मिराकल मनी होने पाए, पीआर लेने जाए मिराकल मनी होने पाए। एक गुड न्यूज जिन पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी अपने हाथों में पकड़े हैं, पवित्र आत्मा अपने बच्चों के, अपने पति की फोटो को पकड़ा है, और इसी समय जिनके पति व्याभिचार में है, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में दुष्ट उसके सिर के ऊपर से, जिनकी औरतें व्याभिचार में है और जिनके बच्चे व्याभिचार के नशे में, या कोई नशे में, या कोई शराब के नशे में, बीड़ी के नशे में, तंबाकू के नशे में, और आज के बाद कुछ लोगों को उल्टियां लगेंगी और आज के बाद आप नशा नहीं करेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप फ्री हो रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक बड़ा अभिषेक इनके घर में आने पर, इसी समय नेपाल के ऊपर एक बड़ी ब्लेसिंग आने पर, और इसी समय जो मुझे नेपाल से देख रहे हैं, श्रीलंका से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, और यूरोप से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, इटली से, और इसी समय एक बड़ा अभिषेक इनके ऊपर खोलता हूँ। और इसी समय पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो भारत से देख रहे हैं, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, और हिमाचल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और इसी समय परमेश्वर केरला से, पवित्र आत्मा कहीं से भी, बैंगलोर से, पवित्र आत्मा बॉम्बे से, और इसी समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से देखते, मैं इसी समय ब्लेस करता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। जलंधर वालों को, कपूरथले वालों को, इसी समय यीशु मसीह के नाम से मिराकल मनी पवित्र आत्मा इस हफ्ते में इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़े गवाही के साथ लौटे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैंने देखा अभी बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल से छुटकारा मिला। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, आप खड़े होकर देखो, बैठ कर देखो, आप अपनी गांठ को पकड़ कर देखो, रसोलियां चेक करो, उड़ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप अपने बैंक अकाउंट को देखो और परमेश्वर का आत्मा आपको छूरा और चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर है उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि वीरवार को जब मैं प्रेयर करता हूँ तो बहुत लोगों की हीलिंग होती है, जब मैं संडे सुबह शाम प्रेयर करता हूँ तो बहुत लोगों की हीलिंग होती है, हमारे पास बहुत गवाहियां आती हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग लेने हैं। तभी देखो परमेश्वर आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। हम गवाही को सुनेंगे कि जो लोग गवाहियों को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि एंजल उनके साथ जा रहे हैं। इस गवाही को सुनेंगे आप, देखो Stone disappears after listening to live prayer prophecy. Let's listen to what Prophet Ji said. मैं कुलदीप कौर राजपुरा पंजाब तो हाँ। Prophet Ji, मेरे गॉल ब्लैडर से स्टोन सी, ते उन्होंने मैनू बहुत बड़ा ऑपरेशन लिख दिता कि बाइस्कोपी होएगी। Prophet Ji, तुसी मेरी प्रे कीती है। एक बहन मुझे राजपुरा से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मुझे कि मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ, पथरियाँ इसी समय बाहर जा रही हैं तेरे यीशु मसीह के नाम में। और वो पथरी जड़ी है मेरी निकल चुकी है। मैं परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। प्रॉफिट जी, मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ।
कि मैनू परमेश्वर ने नवा जीवन दिता है। मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया। अभी देखा इन गवाहियों को कि परमेश्वर ने इस बहन को प्रेयर के बाद पथरी निकाल दी, ऑपरेशन हुआ और हॉस्पिटल में से छुट्टी होगी इस बहन की। मैं कह रहा हूं जितने इस गवाही को देख रहे हैं उनकी भी पथरियां बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ, नेक्स्ट देखेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। मैं कह रहा हूँ जो गवाहियां आप सुन रहे हैं आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी आपसे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ। After listening to Prophecy in Live Prayer, free from coronavirus, now let's listen to Prophet G's prophecy. हमारे ऑफिस में बहुत आदमी को कोरोना हो गया, इसलिए हमको आज कोरोना टेस्ट करने का जाने का था। हमारे साथ 10 आदमी के करीब गया था, उसका सारे रिजल्ट आ गया लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। पापा जी बोला था 120 दफ़ा हालेलुया बोलेगा, जो भी काम हम सोचेगा वो हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई 120 बार जब आप हालेलुया बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा आज आपके काम बनाने के लिए जा रहा है। 120 दफा के ऊपर हालेलुया बोला, जब ख़त्म हो गया फिर हमारा टेलीफोन में देखा तो ग्रीन आ गया। हम बहुत धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद पापा जी को, धन्यवाद। आपने इस गवाही को सुना भी, कोरोना वायरस था लेकिन परमेश्वर ने आजाद कर दिया इसको। जो आप सीखते हैं वचन के अंदर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अभी देखो जिनको भी ऐसे कोई कोरोना वायरस का डाउट है अभी इसी समय आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं, पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। आप जीत रहे हैं, आप विनर होंगे इस हफ्ते में। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ लोग AS और RMN नाम वाले लोग वो एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप देखो जब आप गवाहियां सुनते हैं एक स्वर्गदूत आपका पीछा करता है जब तक आपको हीलिंग ना मिले। हाँ, सुनेंगे एक और गवाही। देखो आप परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम किया। After listening to live prayer prophecy free from addiction, now let's listen to what Prophet Ji said. मेरा नाम सुमन है, मैं उधमपुर की रहने वाली हूँ। 8 साल तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े नशे किए। मैं बीड़ी पीती थी, तम्बाकू खाती थी और कच्चे चावल खाती थी। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, पास्टर जब प्रार्थना कर रहे थे कि पास्टर बोले थे कि आज नशों की आत्माओं को मैं डांट रहा हूँ। एक बहन है और उसने ग्रीन कलर का कुछ डाला है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो तम्बाकू खाती, नशा करती है और परमेश्वर का आत्मा आज आपको फ्री करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए सीख किया। मैं पास्टर का और प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद कर। अभी आपने देखा कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया, पवित्र आत्मा अभी छू रहा है और आपकी जिंदगियों में काम कर। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको छुए। अबलाबा शबलाबा पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के मेरे पिता, पवित्र आत्मा आज इसी समय इनके शरीर के अंदर से पथरियां बाहर जाएं। जो लोग ये गवाहियां देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। रसोली इसी समय ट्यूमर बाहर यीशु मसीह के नाम से, कैंसर बाहर यीशु मसीह के नाम से, और इसी समय सारे जादू टोने को बाहर फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय टांगों का दर्द जाए, इसी समय टीवी की प्रॉब्लम जाए, इसी समय HIV की प्रॉब्लम जाए, इसी समय दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए लोग इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ, नशे इसी समय जाए इनकी जिंदगी से, डिप्रेशन बाहर यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रॉब्लम से निकल जा, गंदी आत्मा बाहर इनके शरीर से। मेरी तरफ देखो और एक बड़ी ब्लेसिंग पा रहे हो आप। और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, एक एंजल भेज रहा हूँ मैं आज से आपको 3 दिन के अंदर, एक बड़ी गवाही दिलाएगा। कुछ लोगों को गुड न्यूज मिलेगी और कुछ औरतें प्रेग्नेंट होंगी और कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब और एक नए बिजनेस के साथ जॉब के साथ खुशखबरियां मिलेंगी। कुछ लोगों को वीजे और PR की आशीष मिलेगी। अबलाबा शबलाबा जाओ एंजल, इनके कामों को बनाओ प्लस इन द नेम ऑफ जीसस मसीह के नाम, आमीन। आप विश्वास करते हैं मेरी प्रेयर पर तो विश्वास करना कि पवित्र आत्मा आपके मरे हुए कामों को जिंदा करने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर है, ब्लेस करेंगे। और अभी इसी समय जल्दी से हम एक गवाही सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रेयर करूंगा। हां हां, सेस डिसअपीयर्स आफ्टर लिसनिंग टू लाइव प्रेयर प्रोफेसी। नाउ लेट्स लिसन टू द प्रोफेसी ऑफ प्रॉफिट जी। मेरा नाम शैली, मैं अमृतसर अटारी तो बोल रही हूं।
मेरी गवाही ये है कि मेरी 8 to 6 महीने पहले मैंने उन्होंने सोनी सी और हर रोज संडे जी ऑनलाइन प्रार्थना होंगी सी इस रिपोर्ट नु देख के डॉक्टर भी हैरान हो गए कि रसौली किथे गई। मैं पापा जी यीशु पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दी हां और पापा प्रोफेट बजिंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दी। परमेश्वर आपको छुए। जिन लोगों ने इन गवाहियों को सुना, मैंने ये गवाहियां आपको खुद बैठकर क्यों दिखाई हैं कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा यहां से भी सुनता है। मैं कह रहा हूं कि आपकी रिक्वेस्ट स्वर्ग में जाती है। अगर मैं यहां से प्रार्थना कर रहा हूं, आप देखा ये लोग मुझे जानते नहीं है, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, आपने सुना भी जिनके पास घर नहीं थे घर मिले, जो कोरोना वायरस में थे वो आजाद हुए। मतलब कौन सी बीमारी है जो यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता, परमेश्वर करता है। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में से बाहर आओ, अपने बैड विचारों में से, निराशा में से बाहर आओ। और मैं उन लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं जो लोग इस मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं। आपने देखा फेसबुक पर हमने डाला कि अभी जलंधर चर्च में अभी हमारा काम शुरू हो गया है प्रभु के भवन का, और बाइबल बोलती है कि आगे के 8वें के परमेश्वर के भवन के लिए लकड़ी लेकर आओ कि ताकि परमेश्वर के भवन के लिए सामान को लेकर आओ, परमेश्वर का भवन बनाओ कि ताकि वो खुश हो। बहुत लोग पूछते हैं परमेश्वर खुश कैसे होगा, कहते हैं जब आप परमेश्वर के भवन में बीज बो रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे प्रसन्न है और आपके लिए गुड न्यूज लेकर आने वाला है। इस हफ्ते में मैं बहुत सारे लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ और हम संडे को प्रेयर करेंगे आपके लिए, खासकर संडे को आप जितने लोग सुबह शाम शामिल होंगे वो एक नई ब्लेसिंग को देखेंगे। पवित्र दिन को जो लोग मनाते हैं उनके घर में कभी शैतान नहीं रहता, याद रखना। जो पवित्र दिन में शामिल होते हैं, ऑनलाइन चर्च आप अटेंड कर रहे हैं, मेरी टीवी पार्टनर जो भी कोई फॉरेन में, जो भी कोई इंडिया में है, परमेश्वर उनको छुए। जो भी पाकिस्तान में और जो नेपाल में, जो हमें श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए खास दुआ करता हूँ। जो हमारे टीवी पार्टनर जो स्पेशल बीज बोना चाहते हैं, इस अकाउंट नंबर में बो सकते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। और इसी समय मैं उनके लिए खास कर दुआ करता हूँ कि परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ जो लोग पवित्र आत्मा इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं। और इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग अपने भेंट, अपने दशमांश मेरे पिता इस मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तेरे राज्य के लिए, पवित्र आत्मा तेरे भवन के लिए, मेरे परमेश्वर इनके घर में पवित्र आत्मा आशीषियां हैं। जैसे सुलेमान ने जब तेरा भवन बनाया मेरे पिता, तूने उसको उससे भी बड़ा घर दिया परमेश्वर उसकी पत्नी को। मेरे पिता इनको सच में आज बीज बोने के बाद इनके मकान बन जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर ठहर जाए, जो प्रेग्नेंट नहीं है प्रेग्नेंट हो जाए, जिनके पास जॉब नहीं है जॉब आ जाए, इनके घर में एक बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, इनके रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए, प्लस नॉर्मल 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 हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज से आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, परमेश्वर आपको छुए। आइए हम इन गवाहियों को देखेंगे और नेक्स्ट संडे मिले, इस संडे मिलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जय Blessed with miracle money after listening to prophecy in live prayer. Now let's listen to the prophecy. जय मसीह की, जय पापा जी की। मैं जर्लिश हूँ पाकिस्तान से और पापा जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी मैं हर लाइव मीटिंग अटेंड करती हूँ, मैं आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करती हूँ। और पापा जी मैं आपकी हर दुआ में अपना ATM कार्ड लेके बैठा करती थी ताकि मेरे अकाउंट में miracle money हो और मेरे अकाउंट में 100 आता था, जिसके अकाउंट में 100 आता है अकाउंट में miracle money हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैंने इसको रिसीव किया और मेरे अकाउंट में miracle money हो गई। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू। आफ्टर लिसनिंग टू प्रोफेसिंग लाइव प्रेयर ₹70,000 टेकन बाय फ्रॉड कम्स बैक। नाउ लेट्स लिसन टू द प्रोफेसी। जय मसीह के। मेरा नाम राहुल है और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी को एक कॉल आया था, फ्रॉड कॉल, उन्होंने ₹70,000 वहाँ से विड्रॉ कर लिए। फिर मेरी बीवी ने मुझे डर के बताया नहीं। फिर जब मेरी बीवी ने मुझे रात को इस बारे में बताया तो मैंने उसी टाइम पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैंने कॉल करवाई और प्रार्थना करवाया और उसी समय मैंने उन पर विश्वास किया और आज हमारे पूरे ₹70,000 वापिस आ चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रोफेट बजिंदर सिंह का भी धन्यवाद। After listening to live prayer prophecy, Pyle's disease healed. Now let's listen to the prophecy of Prophet G. को जय मसीह की। जब पापा जी प्रार्थना कर रहे थे कि जिसको भी बवासीर है वो आज हील होने जा रहे हैं और कुछ लोग सुबह उठेंगे उनको बवासीर से छुटकारा मिलेगा। Yes.
उस वक्त मैंने विश्वास किया और रिसीव किया और उसी दिन से मेरी खूनी बवासीर ठीक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मैं परमेश्वर का दिल से लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। After listening to Prophecy in Life Prayer, free from diabetes, now let's listen to the prophecy of Prophet Bijinder Singh Ji. सारे जय मसीह दी दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं लाइव प्रोग्राम देख रही थी ते पास्टर जी ने भविष्यवाणी की शुगर बारे भी शुगर भाई जिन्होंने मैं वो नॉर्मल हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि आपको डायबिटीज शुगर यीशु मसीह के नाम में ते मैं आज अपनी शुगर चेक कराई ते मेरी बहुत हाई शुगर सी गई, आज मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करनी हाँ और सतगुरु परमेश्वर का जिन्होंने मेरे जिंदगी च दास दे जरिए बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरे ब्रदर नू बलजिंदर नू प्रभु बहुत सारिया अच्छाइया च लैके जाए, बहुत सारी आशीष बरकत दे, उस दे जरिए बहुत सारे लोग प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे हैं कि इनकी वाइफ को 7 साल से थायराइड था और 7 साल से इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। हालेलुया। जून में यहाँ पर आए और इन्होंने स्पेशल बीज बोया बिल्डिंग के लिए और ये बता रहे इन्होंने ले हैंड प्रेयर कराई, उसके बाद इनकी वाइफ की रिपोर्ट नॉर्मल आई, थायराइड जा चुका है और इनकी वाइफ 5 महीने से प्रेग्नेंट है। कितने साल से प्रेग्नेंट नहीं थी? 7 साल से प्रेग्नेंट नहीं थे। 7 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी वाइफ और आज ये रिपोर्ट के साथ है कि इसकी वाइफ 12 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम पर। मैं कर्नाटक से आया हूँ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम पर। सुनो कर्नाटक वालों, बच्चे नहीं हो रहे, आ जाना मेरे चर्च में, होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगाई नहीं मिल रही, मैं कह रहा हूँ आ जाना मेरे चर्च में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಾನ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾವ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೋ ನನ್ನ ಇದೇ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. मैंने दो साल से YouTube देख रहा था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया YouTube की ओर और मेरी वाइफ 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಗ ನನಗೆ ಆಗಲ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ 7 ವರ್ಷ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 23 ತಾರೀಕು 6ನೇ ತಿಂಗಳು 2001 ಬಂದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಹೋಗಿನ ದಿನನೇ ರಜೆಟ್ ಅದರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. 2019 में जून में आया था, आपने ले हैंड प्रे की और आपने कहा था कि तेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी और ये आज गवाही के साथ बता रहा है, बोल रहा है मैं प्रे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। थायराइड कौन? सुनो कौन कहते हैं, कर्नाटक की भाषा नहीं आती मेरे को, आप उड़िया ले आओ चाहे पुड़िया ले आओ, पवित्र आत्मा बताता है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से, देखो कितनी दूर से आया और ये भाई बता रहा है, कह रहा मैंने, आप हिंदी में बताओ अपने आप। कर्नाटक से आया हूँ। बोलो बोलो। कर्नाटक से आया हूँ, 2500 किलोमीटर से दूर से आया हूँ, इधर आके ले हैंड प्रेयर किया था मैंने, प्रेयर किया था वही दिन में घर पे गया, वही दिन में रिजल्ट चालू हो गया, 3 महीने के बाद रिपोर्ट किया, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गया, अभी आया, जो दिन घर में पैर रखा इधर जाके उधर, उस दिन से मेरे को स्टार्ट हो गया प्रेग्नेंसी, 7 साल से नहीं था वो हो चुका इधर। पापा बहुत ही अद्भुत गवाही है, ये बहन बता रहे हैं इनके पास 12 साल से कोई बच्चा नहीं था और ये बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं
ये भाई अपने गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनके पास भी 2 साल से कोई बच्चा नहीं था, और ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर यूज किया, आज प्रभु ने इनको 2 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सुनो सुनो, कितनी बड़ी गवाही है, 12 साल थोड़े नहीं होते, सुन रहे हो कि नहीं? सुने ध्यान से सुने। हाँ, कितने साल से बच्चा नहीं था? पापा जी जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। 12 साल से कोई बच्चा नहीं था। मैं बहुत रोती थी, बहुत गिलगिलाती थी, मैं सोचती थी कि मेरे गोद में कब बच्चा होगा, मैं कब खिलाऊंगी, कब कहूंगी कि मेरा भी एक बच्चा हो। जिसका नहीं बच्चा होता वही जानता है कि बच्चे का दर्द कितना होता है, कितना मैं तड़पती थी। जब यूट्यूब में मैं देख रही थी और पापा जी जैसे किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे और एक बैग कहने लगे कि सीमा के लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं बहुत खुश हुई और मैं सोची कि मेरे लिए प्रार्थना हो रहा है, मुझे जरूर बेटा हो, बच्चा होगा। और उसके बाद मुझे बेटा हुआ और मैं कही कि चर्च में जाके गवाही दूंगी अगर मेरा बेटा होगा। नॉर्मल डिलीवरी के साथ मुझे मैं आई हूँ यहाँ। सुनो, तेरा नाम सीमा ही है? हालेलुया। देखो, इसने रिसीव किया कि सीमा के लिए भविष्यवाणी और थी कि प्रार्थना करो, कोई लाइव देख रहा है और परमेश्वर उसको ब्लेस करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? देखो, ये आज गवाही के साथ है, 12 साल के बाद बेटे की आशीष मिला है। बोलो हालेलुया। किसने बताया था यहाँ के बारे में? यूट्यूब पे मैं देखी थी। अच्छा, यूट्यूब पे देखा था। बोलो हालेलुया। अब विश्वास है आपको? यस। पहले यीशु मसीह को मानते थे? हाँ, मैं बहुत मानती, बहुत चर्च जाती थी, बहुत पास्टर लोग से प्रार्थना भी करा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हो मतलब ऐसा नहीं होता, समय होता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। बोलो हालेलुया। ये गिफ्ट होता है, गिफ्ट मेरी बहन, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, परमेश्वर की दया है मेरे ऊपर। आपको आशीष मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिछले 2 साल पहले मेरी बेटी को अटैक हुआ था, डेवल का, और मेरी बेटी नहीं रही और हमें चर्च के बारे में नहीं पता था। हम पूरा चंडीगढ़ घूमे, छान मारी, हमने मतलब आपका नाम सुना था सिर्फ हमने, और जगह का नहीं पता था हमें। तो हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो मिला नहीं हमें। और मेरी बेटी PGI में ही एडमिट थी, तो उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद हम बहुत निराश थे। उसके बाद मतलब हमें आपकी मिनिस्ट्री का पता चला जैसे, और हम रेगुलर चर्च आते रहे। मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ भी खाई, पता नहीं किस 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 तरह के मेरे टेस्ट भी हुए जो बहुत मुश्किल थे, और फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में मैंने सब दवाइयाँ फेंक दी और मैंने सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को यूज़ किया, और उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। और आज परमेश्वर ने 2 साल के बाद मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਿਰੈਕਲ ਮਨੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ
बढ़ जाण यशोद के नाम विच। मैं प्रार्थना करदा पवित्र आत्मा जी ऐसी वेले इन्हां दी तरक्कियां स्टार्ट हो जाण, जॉब लग जाण, अज गौरमेंट जॉब की आशीष मिल जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा ऐसी वेले इन्हां दा पैसा किसी ने मारिया ऐसी वेले इसी वेले पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करदा कि वह वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम विच। मैं प्रार्थना करदा कि जी किसी ने पैसा लाया है परमेश्वर लेकिन वह फल नहीं रहा, ऐसी वेले इन्हां दा बिजनेस फलन लग जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा धन की आशीष इन्हां दे उत्ते आ जाए। मैं अनोइंटिंग नूं छड़दा यीशु मसीह दे नाम विच, धन की आशीष प्राप्त करन जिन्ने मैनूं देख रहे हैं अज तो बरकत इन्हां दे बच्चों उत्ते, इन्हां दे परिवारों उत्ते, इन्हां दे बिजनेस उत्ते, इन्हां दे घर उत्ते बरकत 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 यीशु मसीह दे नाम विच आ जाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करदा तू बरकत दित्ती है, पवित्र आत्मा तुहानूं ब्लैस कर, आमीन। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172-510-777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।